यार गद्दार 1994 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, सैफ अली खां, सोमी अली और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा लिखित एम मिश्रा द्वारा उत्पादित परवेश मेहरा अभिनीत मिथुन चक्रवर्ती, सैफ अली खां, सोमी अली, प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर। छायांकन एस पप्पू, संगीत दयानंद मलिक ने, उत्पादन कंपनी ईगल फिल्म्स। रिलीज की तारीख 4 नवंबर 1994, कार्यकारी समय 154 मिनट, देश भारत, बजट भाषा हिंदी, बजट 3.2 करोड़ रुपये। कहानी, तो गाइस अब बात करते हैं उस फिल्म की कहानी के, और कहानी जो है इस प्रकार है। मिथुन विभाग का एक ईमानदारी पुलिस अधिकारी है और वह सोमी अली से प्यार करता है। भले ही वह बाहरी दुनिया के लिए एक सख्त व्यक्ति है, लेकिन घर पर वह अपने छोटे भाई जय के प्रति उदार है। जय एक हैप्पी गो लकी लड़का है जिसे श्वेता से प्यार हो जाता है। इस बीच 5 अपराधियों, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, पुनीत इस्तर, अमृतपाल और शीला का एक समूह एक बैंक डकैती की साजिश रचता है और सैफ को डकैती में फंसा दिया जाता है, जिससे वह पुलिस से भाग जाता है। आधिकारिक तौर पर मिथुन को किसी भी कीमत पर जय को गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया है और वह जय को पकड़ने के लिए सभी प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र गवर्नर शीला का पति है। स्थिति तब और भी बदतर हो जाती है जब समूह के सदस्य एक दूसरे एक एक करके मारे जाते हैं। मिथुन ने जब जय को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की ठान ली है, इस बीच मिथुन ने यह भी खुलासा किया कि उनकी प्रेमिका सोमी अली एक बार डांसर है जो उन्हीं अपराधियों के स्वामित्व वाले बार में काम करती है। दूसरी ओर जय भी अपने भाई के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ी समस्या में फंस जाता है क्योंकि सोमी अली उसे मारे गए अपराधी के घर से बाहर आते हुए देखते हैं। तो और अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की, फिल्म के कलाकारों ने अभिनय किया है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने जा रही हैं इंस्पेक्टर शंकर वर्मा के रूप में मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में अभिनय किया है। जय वर्मा के रूप में सैफ अली खान ने इस फिल्म में अभिनय किया है। सोमी अली शशि के रूप में इस फिल्म में, प्रेम चोपड़ा रघुनाथ सिंह के रूप में अभिनय किया है, गुलशन ग्रोवर रघु सिंह जनरल के रूप में, कैप्टन के रूप में पुनीत इस्तर ने इस फिल्म में अभिनय किया है, अमृतपाल अभिनेता विश्वास के रूप में, हिमानी शिवपुरी पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अभिनय किया है, जॉनी लीवर पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अभिनय किया है, यूनिस परवेश मूलचंद के रूप में अभिनय किया है, शीला पत्नी काना बैंक चेयरमैन काना के रूप में उमेश शुक्ला, नीरू के रूप में श्वेता, श्रीमती वर्मा के रूप में अंजना, मुमताज ने इस फिल्म में अभिनय किया है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत और संगीत के। इस फिल्म का संगीत जारी किया गया 1994 को। इस संगीत की लंबाई 29 मिनट 17 सेकंड की है। फिल्म का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और गीत कतील सिफाई, पूजा आहूजा और देव कोहली ने लिखे थे। साउंड ट्रैक 1994 में वेस्टर्न कंपोनेंट्स म्यूजिक में ऑडियो कैसेट पर जारी किया गया था। इसमें 6 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 1 पर जो गाना आता है वह है मेरे सामने है। इस गीत को आवाज दिया कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीतकार कतील सिफाई हैं
और नंबर दो पर आता है तुम ही तुम। इस गीत को गाया कुमार सानू अलका याग्निक ने, गीतकार पूजा आहूजा और देव कोहली है। नंबर तीन पर आता है मेरा यार आ गया, इस गीत को गाया अलका याग्निक ने, गीतकार कातिल सिपाही है। नंबर चार पर आता है मेरे दिल में, इस गीत को गाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने, पूजा आहूजा ने गीतकार हैं। नंबर पाँच पर आता है तुम जाओगे जब, इस गीत को गाया उदित नारायण ने, गीतकार पूजा आहूजा है। नंबर छः पर आता है चूहा गीत, इस गीत को गाया उदित नारायण ने और देव कोहली इस गीत के गीतकार हैं। यार गदार 1994 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसमें मुख्य कलाकार के रूप में मिथुन चक्रवर्ती ने मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया है। वह राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं। वह दो फिल्म फेयर पुरस्कार और तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। चक्रवर्ती ने 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ के व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके अलावा डिस्को डांसर चक्रवर्ती भी इस तरह के रूप में फिल्मों में अपने अभिनय के लिए याद किया जाता है। साहस, वक्त, वारंट, वांटेड, बॉक्सर, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना, अविनाश, नृत्य नृत्य, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, अग्निपथ, युगधर, द डॉन और जल्लाद। 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ में कृष्णन अय्यर नारियल वाला पानी वाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। बाद में इन्होंने तहदार कथा 1992 और स्वामी विवेकानंद 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए दो और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती 350 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें बंगाली, हिंदी, उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी चित्र शामिल हैं। वे वर्ष 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्म रिलीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक है, और नवंबर 2021 तक बॉलीवुड में रिकॉर्ड अभी भी अटूट है। चक्रवर्ती मोनार्क समूह के मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने पपराताजी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइट मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों के कल्याण का ख्याल रखता है और उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता है। टीवी शो डांस इंडिया डांस, जहाँ चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर हैं, उन्हें पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। चक्रवर्ती ने प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेसी नेता और तृणमूल प्रमुख का समर्थन मिला। प्रारंभिक जीवन। चक्रवर्ती का जीवन का जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में बसंत कुमार चक्रवर्ती और शांति रानी चक्रवर्ती के यहाँ हुआ था। उन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी में अध्ययन किया और फिर बीएससी कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने भाग लिया और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से स्नातक किया। वह एक नक्सली था फिल्मों में प्रवेश करने से पहले, लेकिन उनके परिवार में त्रासदी तब हुई जब उनके इकलौते भाई की करंट लगने से मौत हो गई और एक सनकी दुर्घटना में उनकी
मौत हो गई। वह अपने परिवार के पास लौट आया और नक्सली खेमे को छोड़ दिया। भले ही इससे उसकी खुद की जान को गंभीर खतरा था, एक नक्सली के रूप में अपने दिनों के दौरान रवि रंजन के साथ उनकी दोस्ती हो गई, जो एक लोकप्रिय नक्सली व्यक्ति थे, जो अपने दोस्तों को भा परम रक्षक के रूप में जानते थे। भा को उनके जोड़ तोड़ कौशल और व्यक्तित्व कौशल के लिए जाना जाता था। फिल्मी कैरियर। चक्रवर्ती ने मरनाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मर गया 1976 से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। दो अनजाने 1976 और फूल खिले है गुलशन गुलशन 1978 जैसी फिल्मों में कुछ छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद उनकी पहली बड़ी सफलता 1978 की फिल्म मेरा रक्षक थी। उन दिनों चक्रवर्ती को उनकी नदी ठेके सागर की सहकलाकार देवाश्री राय का समर्थन प्राप्त था। वह कम बजट की जासूसी फिल्म सुरक्षा के साथ स्टारडम तक पहुंचे। 1979 रविकांत नगाचे द्वारा निर्देशित यह फिल्म इतनी सफल रही कि चक्रवर्ती की मुख्य भूमिका वाली कई फिल्में लॉन्च हुई। दीपक बहरी के साथ उनका संयोजन भी 1979 में पहली बार तराना के साथ हुआ और उन्होंने 1980 के दशक में हमसे बढ़कर कौन, हमसे है जमाना और वो जो हसीना जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया। 1970 के दशक के अंत में चक्रवर्ती के लिए एक और महत्वपूर्ण फिल्म प्रेम विवाह थी, जिसका निर्देशक बसु चटर्जी ने किया था। चक्रवर्ती ने 1980 के दशक में असंभव नायकों के ब्रांड और सामने की पंक्तियों के लिए बनी के साथ हिंदी सिनेमा पर प्रभाव डाला। उन्होंने इस दशक में एक्शन, पारिवारिक ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी जैसी विभिन्न शैलियों की कई फिल्मों में 110 से अधिक रिलीज में अभिनय किया। चक्रवर्ती ने सुपरहिट मल्टी स्टारर हम पांच 1980 में भीम की भूमिका निभाई। उन्होंने टैक्सी चोर 1980 में पहली बार दोहरी भूमिकाएं निभाई और बाद में 19 फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाई। 1982 में उन्होंने संगीत डिस्को डांसर में अपनी सबसे पहचानी जाने वाली प्रमुख भूमिका के साथ सुपरस्टार एडम की ओर कदम बढ़ाया, जिसने पूरे भारत और रूस में चक्रवर्ती की लोकप्रियता को बढ़ाया और उन्हें एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित किया। फिल्म के निर्देशक बबर सुभाष ने चक्रवर्ती के साथ फिर से पंत संगीत में फिल्में कसम पैदा करने वाले की 1984 डांस डांस, 1987 और कमांडो 1988 के साथ मिलकर काम किया, जो सफल भी रही। उनकी 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं उनकी शीर्ष स्टार स्थिति की पुष्टि की। उसी वर्ष उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में जावर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा गया। चक्रवर्ती 1986 में भारत के सबसे अधिक करदाता भी बने। चक्रवर्ती के सबसे सफल पारिवारिक नाटकों में मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984, स्वर्ग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 शामिल थे। उनकी कॉमेडी में शौकीन 1982, पसंद अपनी अपनी 1983 और बात बन जाए 1986 और एक्शन फिल्मों में जागीर 1984, जाल 1986, दिलवाला 1986, मुद्दत 1986, वतन के रखवाले 1987 शामिल है। जीते हैं शान से 1988, वक्त की आवाज़ 1988, इलाका 1989, दाता 1989 और गुरु 1989। ये फिल्में उनकी अब तक की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में बनी हुई हैं। 1986 और 1987 में उनके प्रदर्शन ने कभी कोई पुरस्कार नहीं जीता, क्योंकि तकनीकी कारणों से फिल्मफेयर पुरस्कारों की घोषणा कभी नहीं की गई थी। के रूप में चक्रवर्ती हमेशा विज्ञप्ति में एक उच्च संख्या था। कभी कभी यह अपनी फिल्मों के कारोबार प्रभावित के रूप में 1989, जहां वह एक रिकॉर्ड की तरह सुपरहिट सहित 19 फिल्मों में था, में हुआ इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा और दाता, और हिट की तरह लड़ाई, गुरु और 20 साल बाद। उन्होंने अरविंदा मुखोपाध्याय की नदी ठेके सागर 1978 से बंगाली सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी।
1980 के दशक में उन्होंने तीन ब्लॉकबस्टर की शूटिंग की। उत्तम कुमार द्वारा निर्देशित कल्किनी ककबाती 1989, गौतम मुखर्जी द्वारा ट्रॉय 1982 और शक्ति सावंत द्वारा अन्य अभिचर 1985। इस दशक में भी चक्रवर्ती की 100 से अधिक रिलीज हुई। अग्निपथ से शुरू हुई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। इसके बाद शानदार, गुनाहों का देवता, प्यार का देवता, त्रिनेत्र और मेरे सजना साथ निभाना जैसी फिल्में आईं। 1992 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित बंगाली फिल्म तहदार कथा ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इस अवधि में उन्होंने बम्बई से छुट्टी लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने पूरे परिवार को ऊटी में स्थानांतरित कर दिया और उन्होंने द मोनार्क होटल का निर्माण किया। चक्रवर्ती ने तब केवल ऊटी और आसपास के स्थानों पर शूट करने के लिए फिल्मों करने का फैसला किया और उन्होंने फिल्म क्रू को अपने होटल में रहने के लिए छूट भी की भी दरें भी प्रदान की। चक्रवर्ती अभिनीत कई फिल्में हर हफ्ते लॉन्च होने के कारण इस रणनीति का भुगतान किया गया, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा से कम बजट की फिल्मों में स्थानांतरित कर दिया। दलाल को रिलीज किया गया और उसके बाद फूल और अंगार, रावण राज, ए टू स्टोरी और शपथ जैसी अन्य कम बजट की फिल्में रिलीज हुई, जिन्होंने कम बजट की प्रस्तुतियों के लिए एक बाजार तैयार किया। जल्लाद ने उन्हें वर्ष 1995 के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार और स्टार स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक जीता। उनका किफायती फिल्म निर्माण मिथुन की ड्रीम फैक्ट्री के रूप में लोकप्रिय था। यहाँ तक कि वह मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरोवर भी नहीं कर सके, क्योंकि उनके चरित्र को उनके बाल काटने थे, जिससे उस समय उनकी अन्य 15 फिल्में प्रभावित होती। इस समय तक चक्रवर्ती ने एक नायक के रूप में सबसे अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 1998 में तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में जीवी अय्यर के स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका के लिए एक बार फिर चक्रवर्ती की अधिक मात्रा में रिलीज ने व्यवसाय को प्रभावित किया, क्योंकि 1998 और 1999 में ही लगभग 30 रिलीज को हो चुकी थी। इस बीच उन्होंने 1995 से 1999 तक लगातार 5 वर्षों तक देश में किसी और की तुलना में अधिक करों का भुगतान किया। इस दशक ने चक्रवर्ती को एक स्टार से ज्यादा एक व्यवसायी के रूप में साबित किया। कम बजट के फिल्म निर्माताओं को मिथुन ने उनका हक दिया। वह तमिलनाडु, मैसूर, सिलीगुड़ी और कोलकाता में मासीनागुड़ी और ऊटी में होटल संचालित करता है। अपने बॉलीवुड करियर के पीछे हटने के बाद उन्होंने अधिक ध्यान केंद्रित किया बंगाली फिल्में। उन्होंने यह भी में छपी गौतम घोष की गुड़िया के साथ ही 1999 में ऋतुपर्ण घोष की तितली, 2002 में हिंदी सिनेमा में वापसी और अन्य सिनेमा में डेब्यू। मिथुन की ड्रीम फैक्ट्री की फिल्में अब भी दर्शकों को बांधे रखती है। उन्होंने अनुभवी अभिनेता और नाटककार उत्पल दत्त के बंगाली नाटक फरारी फौज पर आधारित प्रशांत बल के पीरियड ड्रामा हिंदुस्तानी सिपाही 2002 में अभिनय किया। चक्रवर्ती ने 2005 में फिल्म ऐलान के साथ मुख्य धारा की हिंदी फिल्म उद्योग में वापसी की। लकी नो टाइम फॉर लव 2005 और दिल दिया 2006 जैसी फिल्मों में कुछ सहायक भूमिकाओं के बाद उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म गुरु में अभिनय किया। उन्हें कल्पना लाजमी में खलनायक की भूमिका के लिए भी सराहा गया था। ये चिंगारी 2005, उनकी 2009 की फिर जोर लगा के हैया कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और चल चले को इसकी को बोल्ड थीम के लिए आलोचकों द्वारा सराहा गया। डिंपल कपाड़िया के साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिर कभी का सितंबर 2009 में डायरेक्टर टू होम डीटीएच रिलीज के माध्यम से प्रीमियर हुआ और 2009 के लॉन्च एंजल्स रील अवार्ड्स में कई श्रेणियों में 6 पुरस्कार जीते। 2006 में उन्होंने फिल्म विधायक फतकेस्तो और 2007 में इसके सिक्वल मंत्री फतकेस्तो में अभिनय किया।
जो दोनों ब्लॉकबस्टर थी। 2008 में उन्होंने कालपुरुष के लिए बुधदेव दासगुप्ता के साथ फिर से सहयोग किया और बाद में शकुन लंका और लक्ष्य द फाइनल मिशन फिल्मों में दिखाई दिए। मर गया तहदार कथा, कालपुरुष और तितली में उनके अभिनय ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और नामांकन दिलाया। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म भोले शंकर सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म मानी जाती है। इसी तरह उनके उड़िया फिल्म ए जुगरा आकर्षणा सुदामा, जिसमें उन्होंने उड़िया आइकन उत्तम मोहती के साथ सह अभिनय किया था, वह एक बड़ी सफलता थी। चक्रवर्ती के लिए आखिरी बंगाली हिट हांडा और भोंडा, नोबेल चोर और ले हलवा ले थे। चक्रवर्ती की अन्य फिल्में में सलमान खान के साथ वीर 2010 और अजय देवगन के साथ गोलमाल थी 2010 और 2012 में। अक्षय कुमार के साथ तीन फिल्में हाउसफुल 2, OMG, ओ माई गॉड शामिल है। और खिलाड़ी 786 उनका होम प्रोडक्शन एनिमी 2013 में उनके बेटे मिहो चक्रवर्ती और अभिनेता सुनील शेट्टी के साथ था। और उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एंथनी डिसूजा का बॉस 2013 भी किया था। बाद में सुभाष घई की कांची में 2014 उन्होंने चेहरे के कृत्रिम अंग पहने एक दुष्ट राजनेता की भूमिका निभाई, जिसे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई। किक विद सलमान खान ने दुनिया भर में 375 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। चक्रवर्ती में अन्य रिलीज के रूप में एंटरटेनमेंट हवाई जादा और अनिल शर्मा की जीनियस भी शामिल थी। और 2019 में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित दातास्कंद फाइल से स्पिलर हिट बन गई। चक्रवर्ती के तेलुगु फिल्म गोपाल गोपाल के साथ दग्गुबाती वेंकटेश, श्रिया शरण, पवन कल्याण, बंगाली फिल्म हीरोगरी हीरोगरी गर अभिनेता के साथ देव और तमिल फिल्म और उनके तेलुगु संस्करण वल्लुपु सफलता के साथ जारी किए गए थे। बंदोपाध्याय की बंगाली फिल्म नक्सल, जबकि उनके लंबे समय से विलंबित फिल्म एक नादिर गल्पो लेट ऑफ ए रिवर आधिकारिक तौर पर रिलीज हो गई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। चक्रवर्ती की बंगाली फिल्म साइंस फिक्शन जोले जोगले फरवरी 2017 में रिलीज हुई थी और लंबे समय से विलंबित हसन राजा को चक्रवर्ती के साथ राइमा सेन के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने शिव राजकुमार और सुदीप अभिनीत दाविलेन के एक साथ कन्नड़ में भी शुरुआत की। सितंबर 2020 तक वह द कश्मीर फाइल्स का फिल्मांकन कर रहा है। राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित विलंबित हरार फिल्म 12 ओ क्लास जनवरी 2021 में रिलीज हुई थी। जनवरी 2021 में चक्रवर्ती ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए अपनी पहली वेब श्रृंखला की शूटिंग शुरू की अमेजन प्रमुख पर टेलीविजन के। बंगाली प्रतिस्पर्धी डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस की सफलता के बाद चक्रवर्ती ने डांस इंडिया डांस की अवधारणा विकसित की, जो एक भारतीय नृत्य प्रतियोगिता शो है जो भारत में जी टीवी पर प्रसारित होता है, जो UTV सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन द्वारा निर्मित और भारत की सबसे बड़ी नृत्य आधारित वास्तविकता बन गई है। दिखाओ प्रतियोगिता को टेरेंट लुसई, रेमो डिसूजा और गीता कपूर से बने जजों के एक पैनल के सामने प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। सीजन के शीर्ष 18 लाइव शो फाइनलिस्ट के चयन की देखरेख मुख्य न्यायाधीश चक्रवर्ती करते हैं। इस शो ने सबसे लोकप्रिय डांस रियलिटी शो के लिए कई टेलीविजन पुरस्कार जीते हैं। चक्रवर्ती डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर के ग्रैंड मास्टर के साथ साथ जी बंगाला चैनल पर रियलिटी शो दादागिरी अनलिमिटेड के होस्ट भी थे। उन्होंने शो के होस्ट के रूप में सौरव गांगुली की जगह ली। चक्रवर्ती ने ITV बंगला पर बिग बॉस और राणा गौर रॉकस्टार के बंगाली संस्करण की मेजबानी की। चक्रवर्ती ने टीवी पर अपने अभिनय की शुरुआत कॉमेडी शो द ड्रामा कंपनी से की। चक्रवर्ती अब स्टार जलसा के डांस डांस जूनियर में दिखाई देते हैं, जिसे टॉलीवुड अभिनेता सोहम और सरबंती चटर्जी भी जज करते हैं।
वह हुनरबाज देश की शान नामक रियलिटी शो में करण जौहर और परिणीति चोपड़ा के साथ सहनिर्देश के रूप में प्रदर्शित होने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिसका प्रीमियर जनवरी 2022 में कलर्स टीवी पर होगा। राजनीतिक कैरियर। चक्रवर्ती संसद के सदस्य के रूप में शामिल हो गए और बाद में वह उनके लिए नामित किया गया था राज्यसभा द्वारा। चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसके लिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में टीएमसी पश्चिम बंगाल राज्यसभा विधानसभा चुनाव जो थे 7 फरवरी 2014 को आयोजित, 26 दिसंबर 2016 को उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया। चक्रवर्ती 7 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैलाश विजय वर्गीय की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। 1980 के दशक के अंत में चक्रवर्ती भारत के लिए पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के राजदूत थे। अब वह एक एंटरटेन डोमेन रजिस्ट्रार और वेब होस्टिंग कंपनी गोडेगी का चेहरा है। वह बंगाल मीडिया प्राइवेट की एक इकाई चैनल 10 का चेहरा भी थे, लिमिटेड शारदा मीडिया समूह के स्वामित्व में, और बाद में उन्होंने कहा कि शारदा ने मेरा बकाया भुगतान नहीं किया क्योंकि इसकी शाखा शारदा चिटफंड ढह गई थी। चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल राज्य के लिए मणपुरम गोल्ड लोन का चेहरा भी है। व्यक्तिगत उन्होंने 1979 में पहली बार अभिनेत्री हलेना लियोक से शादी की, लेकिन शादी के 4 महीने बाद दोनों अलग हो गए और तलाक के लिए अर्जी दी। इसके बाद उन्होंने 1979 में अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। चक्रवर्ती और योगिता के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे मीहो नमासी और उसमें और एक दत्तक बेटी दिशानी। पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय पुरस्कार 1977 वर्गीय जीत लिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 1993 तेदिरकथा जीत लिया, 1996 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता स्वामी विवेकानंद जीत लिया फिल्म फेयर पुरस्कार, 1991 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अग्निपथ जीत लिया, 1996 एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जल्लाद जीत लिया, 2001 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता गुरु मनोनीत स्क्रीन अवार्ड, 1996 बेस्ट विलन जल्लाद जीत लिया, 2008 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता गुरु मनोनीत, 2013 एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओएम जी भगवान मनोनीत, BFJ पुरस्कार 1977 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मर्गिया जीत लिया, 1995 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेहतार कथा जीत लिया, आईफा अवार्ड 2008 गुरु मनोनी, 2011 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता गोलमाल थ्री मनोनी, 2013 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता OMG मनोनी, जी सिने अवार्ड 2011 सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष गोलमाल थ्री मनोनी, 2013 हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता OMG मनोनी। युद्ध पुरस्कार 2001 आंदोलक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चाका जीत लिया, जीवन भर की उपलब्धि AN जीत लिया, 2007 स्टारडक्स पुरस्कार रोल मॉडल ऑफ द ईयर AN जीत लिया, आंदोलक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मंत्री फत केस्तो जीत लिया, ACIB पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जीत लिया, 2008 अप्सरा पुरस्कार सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गुरु मनोनीत, 2011 स्टार जलसा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक शकुन ओलंका जीत लिया, खिलाड़ी 786 जीत लिया, 2013 घंटा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हाउसफुल 2 जीत लिया, जिंदगी तेरे नाम जीत लिया, 17 जीत लिया सम्मान। 2010 में गिनी बिसाऊ ने मिथुन चक्रवर्ती के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। कॉमिक बुक जिमी जिंगचक का शीर्षक चरित्र मिथुन चक्रवर्ती की पारोडी है। 2010 की फिल्म गोलमाल थ्री भी चक्रवर्ती के फिल्मी कैरियर को एक डांसिंग स्टार के रूप में पेश करती है। फिल्म में डिस्को डांसर को और याद आ रही है गाने भी है जो फिल्म डिस्को डांसर में थे। 2011 में फिल्म
दिल्ली बेली में आमिर खान ने आई हेट यू, आई लव यू गीत में चक्रवर्ती को डिस्को फाइटर के रूप में तैयार किया। मिथुन चक्रवर्ती पर किताबें, अमर नायिका बंगाली सुमित डे, सिनेमा अभिनेता और उनकी नायिकाओं के मिथुन चक्रवर्ती, अनन्या मिथुन बंगाली, सुमन गुप्ता, मिथुन चक्रवर्ती की जीवनी, मिथुनेर कथा बंगाली, जयंत घोष, सिनेमाएं नमते होल बंगाली। मिथुन चक्रवर्ती अपने प्रशंसकों को सवालों के जवाब देते। मिथुन चक्रवर्ती मरबो इखाने लेस पर्वे सोसाने बंगाली, आशी सरू मुखोपाध्याय मिथुन चक्रवर्ती की जीवन कहानी, अरुण कुमार रवि हिंदी भोजपुरी वैश्यम अपने प्रशंसकों के जवाब सवालों का जवाब देते। मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर को अकेला छोड़ दो, अंग्रेजी सुधा राज गोपालन, मिथुन चक्रवर्ती और सोवियत संघ में सिनेमा के बारे में किताब, मिथुन चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि, अंग्रेजी सारा जॉनसन, मिथुन चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि पुस्तक स्वतंत्र रूप से अमेरिकी लेखक सारा जॉनसन द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इस तरह जो है इन पर बहुत सारी किताबें जो है लिखी गई है। और अब बात करते हैं इनकी फिल्मोग्राफी की। इन्होंने हिंदी और बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। अभिनय, नृत्य और एक्शन में उनकी शैली आज भी हिंदी फिल्म निर्माता और अभिनेताओं के लिए एक शब्दकोश के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित सूची उनकी फिल्मोग्राफी है। उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 250 से अधिक फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। 1976 मर गया, घिनौना बंगाली, मृणाल सेन, दो अनजाने घंटे हिंदी, दुलाल गुआ, विजेता मृणाल सेन विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी पुरस्कार, दुलाल गुआ विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना। 1977 मुक्ति, स्टेज कलाकार हिंदी, राज तिलकी, हमारा संसार प्रेम कुमार हिंदी, टी प्रकाश राव, मेरा रक्षक विजय हिंदी, आर त्याग राज ने। 1978 फूल खिले गुलशन गुलशन, विशाल का दोस्त हिंदी, सिकंदर खन्ना, बंसारी बंगाली, आसिम बनर्जी, नदी थे के सागर बंगाली, अरबिंदो मुखर्जी, तेरे प्यार में शेखर हिंदी, सुभाष शर्मा, अमरदीप, साजन हिंदी, आर कृष्णमूर्ति के विजय यानी जो कि सुरक्षा सीबीआई अधिकारी गोपी, गनमास्टर जी नाइन हिंदी, रविकांत नगाई चौ। 1979 प्रेम विवाह जय हिंदी, बसु चटर्जी, बहन की इंस्पेक्टर विजय, सुसैयद, तराना शाम हिंदी, दीपक बहरी, हाबरी हिंदी, नक्सली हिंदी, ख्वाजा अहमद अब्बासी, निर्देशक के लिए गोल्ड अवार्ड 1980 के कांस फिल्म समारोह में प्रदर्शित नक्सली, आखिरी इंसाफ हिंदी, कालिदास, ख्वाब, प्रताप कुमार श्रीवास्तव हिंदी, शांति शक्ति सामंत। 1980 कस्तूरी हिंदी, विमल दत्ता हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सितारा कुंदन हिंदी में राजू, यूनिस विजय हिंदी स्वरूप कुमार, टैक्सी चोर राजेश रितेश हिंदी, सुनील व्यास, किस्मत की बाजी हिंदी, वापी सन्नी, पपीता पतीता जैन हिंदी, चतुर शशि, हम पांच भीम हिंदी, किस्मत मोती हिंदी, समीरा नकुल हिंदी, घमंडी कमलेश हिंदी, रमेश बेदी, मैं और मेरा हाथी, राम राजो, कलकनी ककबाती, राजशेखर बंगाली, उत्तम कुमार, जीने की आरजू,
नागराज नागी हिंदी 1981, हमसे बढ़कर कौन, पप्पू टोनी हिंदी, दुआ सुनील वर्मा हिंदी, लापरवाह सेरा सूरज हिंदी, वारदात सीआईबी अधिकारी गोपीनाथ, गन मास्टर जी नाइन हिंदी, साहसी किशन चंदो हिंदी, आमने सामने गोपी जानी हिंदी, दोहरी भूमिका, उस्ताद उस्ताद उस्तादी उस्ताद से राजेश राजू हिंदी, मोहन गेहा, शौकीन रवि आनंद, सकाराम हिंदी, आशांति शंकर दादा हिंदी, उमेश मेहरा, ट्रॉय अविक बंगाली, हीरो का चोर मोहन खन्ना हिंदी 1982, आदत से मजबूर शंकर शास्त्री हिंदी, सूर्य सजना राजकुमार हिंदी, तकदीर का बादशाह रतन हिंदी, स्वामी दादा सुरेश हिंदी, डिस्को डांसर अनिल जिमी हिंदी, बी सुभाष, गाने देश विदेश में बहुत लोकप्रिय थे, तकदीर हिंदी, ब्रज कौन कैसी हिंदी, अनिल गांगुली, लाल चुनरिया हिंदी, सुंदर लाली, वो जो हसीना हिंदी, दीपक बारी, कराटे विजय हिंदी, देव मुखर्जी 1983, परे विकास विक्की हिंदी, रजत ऋषि, हमसे है जमाना सिव हिंदी, दीपक भारी, मुझे इंसाफ चाहिए, सुरेश रॉय हिंदी, टी रामा राव, पसंद अपनी अपनी, संदीप आनंद हिंदी, बसु चटर्जी, वांछित विक्रम हिंदी, अबरीश संगली, भास्कर बक्सर, शंकर धर्म हिंदी, राजन सिप्पी, तेरी बहन में अतिथि भूमिका हिंदी, उमेश मेहरा, हंसते खेलते हैं मिथुन हिंदी, दयानंद घर एक मंदिर रवि हिंदी, के बपैया 1984, तरकीब दिनेश हिंदी, रविकांत गायचो, बाजी सलीम खान हिंदी, राजन सिप्पी, रक्षाबंधन, चंदन डाकू, त्रिशूल सिंह कुन्न हिंदी, रजत रक्षितो, जाग उठा पागल हरी मोहन हरी हिंदी, जागीर सांगा हिंदी, कसम पैदा करने वाले की सतीश कुमार, अविनाश कुमार हिंदी, वी सुभाषी, दोहरी भूमिका, मोजान दुबई, ध्यान शेर सिंह पंजाबी, सुभाष सिंह बंगाली, अन्याय अभिचार, घनश्याम घाना बंगाली, शक्ति सामंत, आर परी का बंगाली संस्करण, आर परी, घनश्याम घाना हिंदी, शक्ति सामंत, आंधी प्यार झुकता नहीं, अजय खन्ना हिंदी, विजय सदा नहीं, आंधी तूफान, बलवंत यादव बिल्लू हिंदी, बी सुभाषी, चार महारथी राजू हिंदी, एस वारिस अली 1985, करम युद्ध इंस्पेक्टर विजय हिंदी, यादों की कसम रवि कपूर हिंदी, गुलामी जाबरी हिंदी, प्यारी बहन काली शरण काली हिंदी, बेपनाह बजरंगी हिंदी, माँ कसम धर्म हिंदी, करिश्मा कुदरत का सब इंस्पेक्टर राज हिंदी, बादल बादल हिंदी, जाल शंकर वर्मा हिंदी, दिलवाला रवि कुमार हिंदी, सुरक्षित सुंदर रवि चौधरी हिंदी, के बपैया, मुद्दत रवि शंकर हिंदी, बात बन जाए प्रकाश हिंदी, अम्मा नवीन हिंदी, करमदाता गोविंदा हिंदी 1986, किस्मत वाला राजा हिंदी, नसीहत हिंदी, प्यार के दो पल, अशोक चौधरी हिंदी, राजीव मेहरा, शीश दिनेश प्रकाश हिंदी, एक और सिकंदर सिकंदर हिंदी, भास्कर शेट्टी जी जिंदगानी आनंद हिंदी, ऐसा प्यार कहाँ सूरज हिंदी, मैं बलवान टोनी हिंदी, अविनाश अविनाश हिंदी, दीवाना तेरे नाम का शंकर हिंदी, दीपक भारी, मेरा यार मेरा दुश्मन विनोद कुमार, नाच नाच रामो रोमियो हिंदी, परिवार बिरजू मदारिक हिंदी 1987, हवालात मंगल दादा हिंदी, हिरासते राजू राजेश सक्सेना हिंदी, वतन के रखवाले अरुण प्रकाश हिंदी, परम धर्म विजय रवि हिंदी, जीते एहसान से जानी खुद शीर्षक गीत में, सागर संगम गोपाल गोपी हिंदी, प्यार का मंदिर विजय कुमार, चरणों की सौगंध रवि हिंदी, रुखसाते अर्जुन राय हिंदी, कमांडो चंदर हिंदी, वक्त की आवाज़ विश्व प्रताप हिंदी 1980, साजिशो आनंद कुमार हिंदी, मर मिटेंगे लक्ष्मण हिंदी, अग्नि अमित, 20 साल बाद सूरज हिंदी, गंगा जमुना सरस्वती शंकर कव्वाली हिंदी, मेरे जबान कृष्णा हिंदी, मिल गई मंजिल मुझे, विजय कुमार मल्होत्रा, गुरु
गुरु शंकर श्रीवास्तव, गुरु गलियों का बादशाह सिकंदर, हिंदी आखिरी बदला हिमाद्री चौधरी, हिंदी हम इंतजार करेंगे अजय प्रेम प्रतिज्ञा, राजा इलाका राजा 1989, दोस्त राजा गरीबों का दाता गोपी दाता कुंदन सिंह, मुजरिम शंकर बोस आखिरी गुलाम भीमा, हिसाब खून का सूरज दाना पानी सत्य प्रकाश त्रिपाठी, लड़ाई दीन दयाल शर्मा शेरा, भ्रष्टाचार इंस्पेक्टर आशुतोष दासो, लोह का बलिदान प्यार के ना कुर्बान अग्निपथ कृष्ण अय्यर एम, प्यार का कर्ज रविशंकर, पति पत्नी और तवायफ विजय सक्सेना, हमसे ना टकराना इंस्पेक्टर विजय 1990, अंधा बेचारे राकेश बुलेट, दुश्मन राकेश बुलेट हिंदी, गुनाहों का देवता इंस्पेक्टर बलदेव राज शर्मा, एडवोकेट सूरज शर्मा, स्वर्ण तरसा हिमाद्री चौधरी, पाप की कमी इंस्पेक्टर अश्विनी देव, रोटी की कीमत शंकर हिंदी, संडारी शंकर, नबरी आदमी शंकर, दिलदार खान शिकारी शंकर, प्रतिज्ञावाद शंकर यादव, त्रिनेत्र शिवा टोनी फर्नाडीज 1991, पार प्यार हुआ चोरी चोरी विजय कुमार, प्यार का देवता विजय कुमार, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, पुलिस आयुक्त विजय कुमार, सूरज हिंदी, झूठी शान प्रकाश हिंदी, राजू दादा राजेश राजू दादा, मेरे सजना साथ निभाना कन्हैया 1992, तहे दिल कथा बंगाली, सर्वश्रेष्ठ विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार, विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए BFJ पुरस्कार, घर जमा हिंदी, दिलासना हिंदी, पीताम्बर हिंदी, युगादरी हिंदी, आदमी विजय श्रीवास्तव, फूल और अंगार प्रोफेसर विजय ओंकार नाथ सक्सेना, जीवन शत्रुंज CID इंस्पेक्टर विजय शर्मा 1993, शतरंज निकी वर्मा, कृष्ण अवतारी कृष्ण, मेहरबान रवि कुमार, परदेसी विजय शंकर, तड़ी पार शंकर, दलाल भोला हिंदी, परमात्मा माधव आचार्य गोपाल छोटू, क्रांति क्षेत्र मेजर बरकत अली, चिता इंस्पेक्टर अमर, जनता की अदालत शंकर हिंदी 1994, यार गद्दार शंकर वर्मा, नाराजी देवा, तीसरा कौन वैशम, रखवाले विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना, रावण राज एक सच्ची कहानी, ए CP अर्जुन वर्मा, जख्मी सिपाही DHCP शक्ति, निशान इंस्पेक्टर सूरज, जल्लाद विजय, बहादुर कुंवर अमावस इंस्पेक्टर क्रांति कुमार 1995, हंकारी प्रतापी हिंदी, अब इंसाफों का गौरी शंकर, गुनहगार DIG अजय ठाकुर हिंदी, डॉन देवेन देवेन, भाग्य भैंस जगदीप अल्फ्रेंड, दिया और तूफान, अमर निर्भय मुकदर शिव हिंदी, जुर्माना पुलिस निरीक्षक विजय सक्सेना, भीष्म भोला इंस्पेक्टर भीष्म 1996, तानवीर विजय श्रीवास्तव, अपने एबाद पारो टक्कर माना, अंगारा सागर जागो ACP अर्जुन सक्सेना, रंगबाज कुंदन कन्हैया बनारसी, सपद कमांडो सूरज सूर्य, जोड़ीदार मुन्ना कप्तान, लोहा अर्जुन कालिया कालीचरण कालिया हिंदी 1997, गुड़िया जान मेंडिस, दादागिरी अजय सक्सेना, सूरज सूरज जीवन युद्ध इंस्पेक्टर देव प्रकाश, क्रांतिकारी जगदीश अल्फ्रेड, स्वामी विवेकानंद राम कृष्ण से हिंदुस्तान, पुलिस निरीक्षक क्रांति कुमार, साजिश डेविड, मिलिट्री राजू, मेजर आनंद चंडाली, इंस्पेक्टर इंद्रजीत चंडाल, हत्यारा एडवोकेट महेंद्र सूर्य, उस्तादों के उस्ताद विश्वनाथ 1998, हिटलर जेलर सिद्धांत कुमार, देवता बलराम बिल्लू टाइगर, मर्द SP अर्जुन, दो नंबरी राजू, यमराज बिरजू, प्यासी आत्मा वैषम, हिम्मत वाला किशन, गुंडा शंकर, माफिया राज इंस्पेक्टर सूरज, सहारा जुलुची बीजू ओरिया, हीरा लाल पन्ना लाल हीरा लाल, सिकंदर सड़क का सिकंदरी, कहानी किस्मत की हिंदी, गंगा की कसम शंकर, सन्यासी मेरे नाम, बेनामी प्रकाश की पी 1999, आया तूफान अर्जुन सिंह, तूफान आग ही आग इंस्पेक्टर अजय, शेरा जय खुराना शेरो, फूल और आग से जिम कर देवता, तबाही माँ कसम इंस्पेक्टर अजय शास्त्री, सोतेला अर्जुन, सुल्तान अभिमन्यु सुल्तान, ज्वालामुखी ज्वाला सिंह, बिल्ला नंबर 786 शंकर, आज का रावण, कुर्बानियाँ, काली टोपी लाल रुमाल,
2000 सबसे बड़ा मेहमान न्यायमूर्ति चौधरी बापू, इंस्पेक्टर देवराज दादा ठाकुर, अग्निपुत्र बाबू बादशाह, चाका भैरव राकेश भैरवी, खतरों के खिलाड़ी जहरीला दुष्यंत कुमार, बंगाल टाइगर पुलिस निरीक्षक प्रकाश वर्मा, 2001 मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, बगावत एक जागो, बहन बहनिया हमारी, अर्जुन देव मेरी अदालत, तितली मार्शल, मनोहर सिंह मार्शल, मवाली नंबर वन, बंगाली बाबू 2002, फरारी फौजी, हिंदुस्तानी सिपाही कैदी, सबसे बढ़कर हम, गौतम गोविंदा, चालबाज गुरु, राजा गुरु, शतरंज संत रसो मोंटू, 2003 एक जुगरा कृष्ण सुदामा, और यह रास्ता बंगाली, सफल देखा राजकन्या, 2004 बारूद, डीएसपी बरुंडो बकास उर्फ बारूद कुली, शिवनाथ राय उर्फ शिवा, ऐलान बाबा सिकंदर, देवदूत अर्जुन रिक्शा वाला, कातले आम चीता रुद्रनील बैनर्जी उर्फ चीता, छोरे छोरे मस्तूर तो भाई माणिक, 2005 शक्तिमान, प्यार का शास्त्रीय नृत्य बापू, लकी नो टाइम फॉर लव, हिंदी युदो, डीएसपी अग्निश्वर रॉय, चिंगारी गोप गोलापी एको बिलते, इंसाफ की जंग, कच्ची सड़क निहंगामा, मुझे हनुमान प्रसाद बंधुवाला, 2000 से दिल दिया है, विधायक पद केस तो कृष्णदेव चटर्जी, उप पद केस तो संजरा अभिमन्यु, अभिमन्यु नागो महासंग्राम, गुरु 2007, तुलक लाम सीबीआई ऑफिसर, तमन्या सन्याल उर्फ तूफान, मंत्री पद केस तो कृष्णदेव उर्फ बाघ, प्रोफेसर इंद्र जीत सेन उर्फ टाइगर, शांति महागुरु, इंस्पेक्टर रुद्र सेन गुरु, माई नेम इज एंथनी गोंसर्वेस, चीता टाली टाइल्स, सत्यमेव जयते, आज का बॉस 2008 काल पुरुष, पिता डॉन मुथु स्वामी, डॉन मुथु स्वामी, भोले शंकर, शंकर सी कॉम कंपनी, दूत भाई नायको, डॉक्टर मकबूल, युवराज सिकंदर मिर्जा, चांदनी चौक से चीन बापू, जोर लगा के हैं या भाग्य, मेजर जवाहर प्रताप सिंह, 2009 चले चल, महाभियोग वकील बावरी, एसपी त्रिदेव, फिर कभी हरी सिंह, वीर पृथ्वी सिंह, रहमत अली हांडा ओ बोंडा, मृदुल राय उर्फ हांडा, राखी शकुनी लंका, चीनू नंदी, 2010 लक्ष्य अंतिम मिशन, एंथनी गोलमाल 3, प्रीतम गोला पिए को बिलते, फलटू खुद, 2011 में सुभाष बेलची, देवधर बोस, नो बेलचोर भानु, दो हजार ग्यारह जिंदगी तेरे नाम, सिद्धार्थ सिंह, हाउसफुल टू, जद जग्गा डकैत, ले हलावा दे हर्षवर्धन बैनर्जी, 2012 ओएमजी, लीलाधर महाराज, खिलाड़ी 786, तनिया तुकाराम तेंदुलकर, चट्टान का रॉकी के पिता, गीत रॉकी भाई में विशेष उपस्थित, 2013 शत्रु युगांधर, विस्मय सीबीआई अधिकारी मालिक, सत्यकांत शास्त्री, कांचीदा अनब्रेकेबल, श्याम काकरा, 2014 लात, रतन लाल सिंह, मनोरंजन साक्षी के पिता, गोपाल गोपाल लीलाधर, हीरोगिरी, दिवाकर वरुण काका, नंदिनी के पिता, 2015 हवाई ज्यादा, पंडित सुभा सुबसा राय शास्त्री, नक्सल अनिवर सेना, यागवरिनियम नाइका काका मुली मुदलियार, एक नादिर गोल गल्पो, एक नदी की कहानी, दारा केसरी, 2016 मालूप मुरली दियार, 2017 गोलमाल, बुद्धू राम डोल जोल जोगले, 2018 कल नायक, एसपी भ्रमवर प्रतिभावान, एनएस प्रमुख जयशंकर प्रसाद, ताशकंद फाइले, श्याम सुंदर त्रिपाठी, 2019 12 बजे हिंदी, हसन राजा बंगाली, 2021 द कश्मीर फाइल्स, गंदा बच्चा हिंदी, भूतियापा हिंदी। मिले सुर मेरा तुम्हारा दूरदर्शन।
1976 सरहद हिंदी। तो इस प्रकार जो है इन्होंने इन सभी फिल्मों में किया, और टेलीविजन सीरीज 2019 से नृत्य बंगला नृत्य ग्रैंड मास्टर बंगाली जी बंगला 2009 से 18 तक, डांस इंडिया डांस ग्रैंड मास्टर हिंदी 2010, दादागिरी असीमित मेजबान बंगाली जी बंगला 2013, बिग बॉस बंगला मेजबान बंगाली 2017 से 18 तक, ड्रामा कंपनी मेजबान 2020, डांस प्लस जी सीजन 5 अतिथि 2021, डांस डांस जूनियर मेजबान बंगाली डांस प्लस सीजन 6 अतिथि 2022, हुनरबाज देश के सान्यधीश के रूप में इन्होंने अभिनय। सैफ अली खान, जन्म साजिद अली खान, 16 अगस्त 1970, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। पथौती परिवार का हिस्सा है वह। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और क्रिकेटर मंसूरी अली खान पटौदी के बेटे हैं। खान ने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 2010 में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ। जन्म साजिद अली खान पटौदी, अल्मा मेटर, वेंचेस्टर कॉलेज, वैवासो, अभिनेता निर्माता, सक्रिय वर्ष 1991 से वर्तमान काम करता है। पूरी सूची, जीवन साथी अमृता सिंह और करीना कपूर, बच्चे 4 जिनमें सारा अली खान भी शामिल है, अभिभाषक मंसूरी खान पटौदी शर्मिला टैगोर, रिश्तेदार पटौदी परिवार, टैगोर परिवार, मिराजी खेल कपूर परिवार। पुरस्कार पूरी सूची, सम्मान पद्मश्री। खान ने अपने अभिनय की शुरुआत परंपरा से की थी। वह 90 के दशक के एकल मुख्य फिल्मों में से 7 हिट अर्जित करने वाले सफल रहे। उन्हें केवल मल्टी स्टार है ये दिल्लगी, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, कच्चे धागे और हम साथ साथ हैं से दुर्लभ सफलता मिली। यह 2020 के दशक में था जब खान ने स्लीपर हिट क्या कहना से शुरुआत करके स्थापित अभिनेता की क्षमता साबित, और रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा दिल चाहता है कल हो ना हो के लिए प्रशंसा सारी जीती। इसके अलावा आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हम तुम, प्रणामित और सलाम नमस्ते और तारारम पम। खान ने एक हसीना थी में एक चालाक व्यवसायी अंग्रेज फिल्म बाइडिंग साइज में शिशु और ओमकारा में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए लोचमात्र प्रशंसा अर्जित की, जो मुख्य भूमिका में बड़ी हिट फिल्मों में रेस, लव आजकल, कॉकटेल, रेस 2, खराब प्रदर्शन वाली उपक्रमों में एक और श्रृंखला खान के बाद में नेटफ्लिक्स में पहली मूल भारतीय श्रृंखला सेकंड गेम्स और ऐतिहासिक नाटक तानहाजी में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सराहा गया, जो उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज है। खान को कई प्रकार की फिल्म शैलियों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, अपराध नाटकों के लेकर एक्शन थ्रिलर और कॉमेडी रोमांस तक। फिल्म अभिनय के अलावा खान लगातार टेलीविजन पुरस्कार, स्टेज जो कलाकार और प्रोडक्शन कंपनियों में इलुमंती फिल्म्स और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के मालिक हैं। प्रारंभिक जीवन और परिवार, खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली के भारत में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर एक अभिनेत्री के घर में हुआ था। खान के पिता, जो ब्रिटिश राज के दौरान प्रसूति रियासत के अंतिम शासक नवाब के पुत्र थे, वो भारत के राजनीतिकरण में काम की गई शर्तों के तहत भारत सरकार के प्रिवी पर्स प्राप्त हुआ था। वह थे पटौदी के नवाब शीर्षक के उपयोग करने की अनुमति थी। 1971 में जब उन्होंने उपाधि समाप्त कर दी गई, 2011 में मंसूर अली खान की मृत्यु के बाद खान को पटौदी के 10वें नवाब के रूप में ताज पहनाने
के लिए हरियाणा के पटौती गांव में एक प्रतीकात्मक पगड़ी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खान ने ग्रामीणों के की भावनाओं को खुश करने के लिए भाग लिया था। जो चाहते हैं कि वह ऐसा करें, प्रारंभिक परंपरा जारी रखें। और अभी ने उनकी खान की दो छोटी बहनें हैं, आभूषण डिजाइनर सबा अली खान और एक अभिनेत्री सोहा अली खान, और वह इफ्तिहार खान अली खान पटौदी के पोते हैं, जो 1946 में इंग्लैंड भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले थे, और साधु सुल्तान नवाब बेगम हैं। भोपाल में अंतिम शाह हमीदुल्ला खान उनके परदादा हैं, और क्रिकेटर साद बिन जंग उनके पहले चचेरे भाई हैं। अपने बचपन के बारे में बोलते हुए खान ने कहा कि फिल्मों से भरे जीवन का सामना करना पड़ा। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो असामान्य बच्चा नहीं था, वह अवरोगी सहज था। सैफ एक मुस्लिम के रूप में बड़े हुए, लेकिन अपनी पहचान एक अज्ञेयवादी के रूप में रखी। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पिता को बगीचे में क्रिकेट खेलते हुए देखने के सुखद यादों को याद करते हैं, और उन्होंने अपने पिता की शिक्षा और पृष्ठभूमि पर जोर दिया कि एक वह पारिवारिक जीवन कैसे संचालित होता है, और इस पर उनका अमिट प्रभाव पड़ा। खान ने हिमाचल प्रदेश में सनवार के लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने लोकस पार्क स्कूल भेज दिया गया। गायनो साल उनमें हार्टफोर्डशायर में उन्होंने बाद में वेस्टर कॉलेज ऑफ में दिखलाया गया, और बताया कि मैंने अपने कार्यकाल का लाभ नहीं उठाया, मेरी सपाटे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज चले गए, लेकिन अकादमी मेरी रूप में रुझान नहीं थी था। जब मैंने खुद आवेदन किया और तो जो अक्सर नहीं होता था, मैं प्रथम स्थान पर रहा। मुझे और अधिक अध्ययन करना चाहिए था। बोर्डिंग स्कूल से स्नातक होने के बाद खान भारत लौट आए। 2 महीने तक दिल्ली में विज्ञापित फार्म के लिए काम किया। बाद में वह एक पारिवारिक मित्र के आग्रह पर गलावे शूटिंग में टेलीविजन विज्ञापन में दिखाई दिए। बाद में निर्देशक आनंद मेहतरू ने उन्हें इस पर शामिल कर परियोजना अंततः रद्द हो गई, लेकिन खान ने अपना फिल्म में अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। वहाँ याद करते हैं कि आखिरकार मुझे कुछ दिशा और ध्यान मिला। मुझे याद है कि इतना उत्साहित महसूस कर रहा था कि मैं मुंबई जा सकता हूँ और अपनी जगह पर रह सकता हूँ और अपना कैरियर शुरू कर सकता हूँ और के रोमांच में आनंद ले सकता हूँ। व्यक्तिगत जीवन और कैरियर। पहली शादी, प्रारंभिक भूमिकाएं और कैरियर संघर्ष 1991 से 2000 तक। 1991 में खान को राहुल रवेल के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में नवोदित काजल के साथ मुख्य भूमिका में के लिए लिया गया था, लेकिन फिल्म का पहले शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के बाद रवैल ने उन्हें अप्रोफेशनल माना और उनकी जगह कमल सदना को ले लिया गया। फिल्म बेखुदी के दौरान खान की मुलाकात अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई, जिन्होंने अक्टूबर 1991 में शादी की। सिंह को उनकी बेटी सारा अली खान 1995 और एक बेटे 2001 में जन्म दिया। 2004 में यह जोड़ा अलग हो गया। 1993 में खान ने यश चोपड़ा की परंपरा से अपने अभिनय की शुरुआत करी, जो फिल्म तो दो पिछड़े भाई आमिर खान और खान द्वारा अभिनीत की कहानी बताती है। व्यापक दर्शक वर्ग पाने की फिल्म विफल रही। 1993 में वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्में आशिक अवारा और पहचान में ममता कुलकर्णी और शिल्पा शिरोडकर के साथ नजर आए। पूर्व में अपने प्रदर्शन के लिए खान ने 39वें फिल्मफेयर पुरस्कार से विशिष्ट पुष्प प्रदर्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किया। रवीना टंडन और सनी देओल के मध्यम के रूप से सफल फिल्म इम्तिहान में उपस्थिति के बाद खान के अगले दो रिलीज के लिए कुमार के साथ जोड़ी बनाई गई। यशराज फिल्म्स और हिट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ये दिल लगी और एक्शन फिल्म मैं खिलाड़ी तू है नाड़ी। पहली फिल्म 1994 की हॉलीवुड फिल्म
सबरीना एक अनौपचारिक रीमेक थी और इसमें एक ड्राइवर की बेटी काजोल द्वारा अभिनीत और उसके पिता नियुक्त की दो बेटे कुमार और खान द्वारा अभिनीत के बीच प्रेम त्रिकोण को दर्शाया गया था। तो खिलाड़ी में अनाड़ी में खान एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में दिखाया गया और वह बॉलीवुड हंगामा पे बताया गया कि दोनों फिल्म की सफलता खान के लिए बड़ी सफलता साबित हुई। तो खिलाड़ी में अनाड़ी में उनके प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन दिलाए। इंडियन एक्सप्रेस की दोनों फिल्मों में अभिनय के लिए प्रमुखता दी। बाद में उन्होंने रोमांटिक टाइम्स उनकी कॉमिक टाइम्स में ध्यान रखते हुए जब वह भी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। खान की वर्ष की अगली दो रिलीज नाटक यारगदार और आओ प्यार करें असफल रहे। 1990 के दशक के दौरान उनके करियर में लगातार गिरावट देखी गई। सभी नौ फिल्में में उन्होंने अभिनय किया। सुरक्षा, एकता राजा, बम्बई का बाबू, तू चोर मैं सिपाही, दिल तेरा दीवाना, हमेशा उड़ान, कीमत दे हार बैक, हम हमेशा बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन, वैसे रूप से असफल रहे। इस दौरान आलोचकों ने लगा कि उनका करियर खत्म हो गया है। लगातार 4 वर्षों तक खराब प्रतिक्रिया पाने वाली फिल्मों के बाद 1993 में खान के करियर में संभावनाओं से सुधार हुआ शुरू हुआ। वह 4 फिल्मों में दिखाई दिए। यह मुंबई में जान, कच्चे धागे, आरजू और हम साथ साथ हैं, रोमांटिक कॉमेडी की यह मुंबई मेरी जान और रोमांस आरजू माधुरी दीक्षित के और अक्षय कुमार के साथ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी बहुत कमाई की। लेकिन एक्शन थ्रिलर फिल्म कच्चे धागे दो खिलाड़ी मैनाड़ी के बाद खान की पहली व्यावसायिक सफलता बनी। मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित खान ने अंतिम तौर पर खूब सराहा गया। लेकिन आलोचकों द्वारा निर्देश ने कहा कि सह अभिनेता अजय देवगन खान पर भारी पड़े। हालांकि इस फिल्म में खान को फिल्मफेयर के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन दिलाया। खान ने वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज सूरज बजदाड़िया द्वारा निर्देशित पार्विक ड्रामा हम साथ साथ हैं को मनोबल बढ़ाते वाली बताया। फिल्म में कलाकारों की टोली शामिल और दुनिया के साथ पर 800 मिलियन के से अधिक कमाई के साथ वर्ष की सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। हम साथ साथ हैं फिल्मांकन के दौरान खान ने सह कलाकारों सलमान, तब्बू, बिंदेंद्र और नीलम कटोरी के साथ कंकणी में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। उसी वर्ष वह डेविड धवन द्वारा निर्देशित कॉमेडी बीवी नंबर वन में कुछ समय के लिए दिखाई दिए जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। निर्देशक कुंदन शाह का नाटक क्या कहना खान ने 2000 में एकमात्र रिलीज थी। उन्होंने उन्हें कैसा नोवा, राहुल मोदी की भूमिका निभाई और प्रीति जिंटा और चंद्रचूड़ा चूड़ सिंह के साथ वैसे कलाकार खान ने अपने चित्रण की तुलना पिता के रूप में अपने विकसित होते हुए परिपक्वता से की। फिल्म एकलव प्रतिवित और किशोर गर्भावस्था में विशेष को विषय को संबोधित किया और एक स्लीपर हिट बनकर उभरी। इंडियन एक्सप्रेस का मानना था कि खान जिस दुष्ट की भूमिका निभा रहे हैं वह इतना आश्चर्य दिखता है कि वह किसी फिल्म में एकमात्र काला पहलू है जो सबको दुखद समय में भी अच्छा उज्जवल कर रहा है। प्रमुखता में वृद्धि 2001 से 2004 खान 2001 में खान ईशर निवास के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप लव के लिए कुछ भी करेगा में दिखाई दिए जिसके बाद उन्होंने पहली फरहान अख्तर की फिल्म आमिर खान और अक्षय खन्ना के साथ अभिनय किया।
आने वाली कॉमेडी ड्रामा दिल चाहता है में भारतीय समृद्ध युवाओं में समकालीन नियमित जीवन को दर्शाते हुए वह एक आधुनिक शहरी मुंबई में स्थापित है और तीन युवा दोस्त के जीवन पर परिवर्तन के लिए प्रमुख अवधि पर केंद्रित है। खान ने नीराज रोमांटिक समीर मूलचंदी की भूमिका निभाई और विशेष रूप से अपने चित्रण के गुणों में उन्होंने आकर्षित किया। दिल चाहता है समीक्षाओं के लिए बेहद बेहतरीन लोकप्रियता रही ये लोकप्रिय रही और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इन इन बड़े शहरों लेकिन यह फिल्म ग्रामीण इलाकों में विफल रही जिसका श्रेय आलोचकों ने इसको द्वारा प्रस्तुत शहरी उन्मुख जीवन शैली को दिया। यह फीचर खान को करियर में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म पुरस्कार और जी सिने अवार्ड और में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अकादमी आईफा समारोह में Rediff.com ने लिखा कि यह अंडर स्क्वेच चित्रण के से ऊपर उठने में सक्षम है। तरुण आदर्श ने कहा ने उत्कृष्ट बताया यह तर्क देते हुए कि यह कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। दो खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्म में उपस्थिति के बाद रहना है तेरे दिल में ना तो तुझे जाना है हम खान के प्रवाल के साथ दूसरा अध्याय और फोटोग्राफर की भूमिका निभाई। रमन का संकलन थ्रिलर डरना मना है 2003 फिल्म में व्यापक दर्शक वर्ग पाने के लिए असफल रहे। बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की। बॉलीवुड हंगामा उनकी अगली फिल्म निखिल अडवाणी द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कल हो या ना हो को उनके करियर में एक मील का पत्थर बताया। न्यूयॉर्क शहर में स्थापित इस करण जौहर ने लिखा कि इसमें जया बच्चन शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने सह अभिनय किया। दुनिया भर में 860 मिलियन से अधिक राजस्व के साथ फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल प्रतिक्रिया मिली और यह भारतवर्ष में सबसे बड़ी हिट बन गई। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और विदेशों में वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। खान ने को रोहित पटेल की भूमिका में लिया गया था। एक लापरवाह युवक जिसे जिंटा के चित्रण से प्यार हो गया। जब अडवाणी दिल चाहता है कि उनका प्रदर्शन देखा तो आउटलुक देते वो लिखता है कि कोमल नेहटा ने फिल्म को स्वाभाविक और बेहद प्यारा बताया और स्टारडस्ट के राम कलम मुखर्जी ने कहा कि यह भावनाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने में सफल रहे। खान ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल था। और मुझे इतना कुछ मुख्य रूप से मुख्य भूमिका की जिम्मेदारी सीखने के लिए शाहरुख खान ने प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि फिल्म की सफलता के कारण यशराज फिल्म्स ने उन्हें 2004 में रोमांटिक कॉमेडी हम तुम के लिए कास्ट किया। वर्ष के अंत में उन्होंने सिम्पलिसिटी के रूप में प्रकट हुए जेपी दत्ता की फिल्म एलओसी कारगिल में अर्जुन नैयर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहे। टॉपिक्स कर को बचाने के लिए एक अभिनेता के रूप में अपनी सीमा का विस्तार करने में प्रयास रहे। खान एक थ्रिलर एक हसीना में करण राठौड़ की भूमिका निभाई और एक चित्रण जिसे उन्होंने चार्ल्स शोभाराज जेम्स बॉन्ड की तरह एक आदमी मिलता है वे रूप में वर्णित किया। वह फिल्म एक युवा महिला की कहानी बताती है जो चित्रण में मिलती है और बाद में उसे अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने के लिए आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब खान ने शुरू में इस परियोजना की पेशकश की थी तब वे व्यस्त कार्यक्रम के कारण करने में असमर्थ थे। हालांकि जब राघवन ने उनसे दूसरे बार संपर्क किया तो वह सहमत हो गए और भूमिका के लिए तैयार हो गए। अपने चित्रण के शारीरिक आवश्यकताओं पूरी करने के लिए 6 महीने तक बड़े पैमाने पर व्यायाम किया। रिलीज होने पर फिल्म को समीक्षा द्वारा सकारात्मक रूप से सराहा गया जिसमें खान ने अभिनय प्रशंसा अर्जित की और फिल्म समीक्षा अनुपम चोपड़ा ने लिखा कि
कि वह एक 55% दिया, जबकि डेकन हेल्डर ने कहा कि यह कूलवुड स्टोरी पर टाइम्स के बाहर निकालने और ऐसी फिल्म में खुद को बनाए रखने से सफल रहे जो पूरी तरीके से मातोंडकर कर अपने प्रदर्शन के लिए खान को स्क्रीन और जी सिने और आईफा समारोह के लिए नामांकन मिला। अपनी अगली रिलीज के लिए खान को कुणाल कोहली में कि हम तुम में रानी मुखर्जी के साथ भूमिका निभाई, जो दो जिद्दी व्यक्तियों की मिलते हैं। आमिर खान ने की फिल्म करने में असमर्थ होने के बाद उन्होंने करण कपूर की भूमिका में लिया गया। कोहली ने कहा, मुझसे एहसास हुआ कि इस भूमिका के लिए एक युवा व्यक्ति की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिक युवा छवि पेश कर सके। सैफ ने यह अद्वितीय गुण है कि वह 21 साल के साथ साथ 29 साल के व्यक्ति की भूमिका भी निभा सकते हैं के लिए आदर्श था। 426 मिलियन के राजस्व के साथ वह यह फिल्म वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में साबित हुई और खान की पहली सफलता जिसमें उन्होंने एकमात्र पुरुष प्रधान की भूमिका निभाई। रेडिम प्रूफ कॉम ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, सैफ ने दिल चाहता है और कल होना हो इसे अपनी शहरी स्वरूप को दोहराया है। इसमें कभी कभार आत्मनिरीक्षण और गुस्से में समावेश किया है और खुद को एक ऐसे अभिनेता के रूप में चयनित किया है जिसका समय आ गया है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन के अलावा कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और काफी विवादों के बीच उन्होंने 52वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बॉलीवुड में सबसे अच्छे प्रोडक्शन हाउस में एक इंचार्ज फिल्म्स के साथ साथ उन्होंने काम की शुरुआत की। 2000 में खान ने मॉडल रोजा कैटलानो के साथ डेटिंग शुरू की, जिसने उन्हें 3 साल बाद अलग हो गए। स्थापित अभिनेता और फिल्म निर्माता 2005 से 2010 का कैरियर। 2005 में रेडिम प्रोटोकॉल ने प्रकाशित किया कि खान ने रोमांटिक ड्रामा प्रणब की कॉमेडी ड्रामा सलाम नमस्ते में अभिनय के साथ खुद को हिंदी सिनेमा में प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया है और इसमें नाम में शरद चंद्रा चट्टोपाध्याय ने 1994 में बंगाली उपन्यास में रूपांतरण प्रणामित को निर्देश प्रदीप सरकार ने किया और यह आदर्शवादी और एक संगीतकार के प्रेम कहानी के बारे में है। एक पूंजीवादी व्यापारी के बेटा, हालांकि फिल्म में निर्माता विश्व विनोद चोपड़ा ने खान की भूमिका के लिए अनुभवहीन माना जाता है। सरकार ने माना कि जिन्होंने उन्हें महसूस किया कि खान जाता है सरकार ने उन्हें माना कि वे महसूस किया कि खान इस भूमिका में बिल्कुल उपयुक्त थे। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड प्रोडक्शन बन गया। इसमें 572 मिलियन के साथ यह फिल्म मासिक साथ में रहने वाले भारत जोड़े और इस पे आप प्रदर्शित गर्भावस्था के रूप में संघर्ष की कहानी बताती है। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा की फिल्म कला फिल्म में बेंगस्ट सरायस की नायक की भूमिका निभाई, जिसमें नसीरुद्दीन शाह डिंपल कपाड़िया सह कलाकार थे। निवेदित होमी अजीमा द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक नाटक में एक बेकार पारसी परिवार में इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें खान का चित्रण प्रवेश किया गया है। और मुख्य जो फिल्म में सकारात्मक समीक्षाओं के लिए खान ने विशेष रूप से प्रशंसा की गई। बाद के वर्ष में विलियम शेक्सपियर की ओथो भारतीय रूपांतरम ओमकारा के इगायों में काम किया। फिल्म का पीर 2006 कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था कि हर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए भी चुना था। ओमकारा को आलोचकों द्वारा सकारात्मक परिचय पास की और खान को व्यापक आलोचना प्रशंसा और प्रशंसा मिली। उन्होंने फिल्म फेयर स्क्रीन जी सिने अवार्ड और किस समारोह में नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ
फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। शीर्षक 80 प्रतिशत दिन में 2010 में अंक शामिल थे। 2007 तक खान व्यावसायिक और बौद्धिक रूप से प्रेरक सिनेमा में विभिन्न शैलियों का पता लगाने के लिए फिल्म निर्माण में प्रवेश करने के इच्छुक थे। बीन साइज की महत्वपूर्ण सफलता के लिए उन्होंने इल्लुमिनाती फिल्म्स बनाने के लिए निर्माता दिनेश विजान के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित किया, जिनके साथ उन्होंने सिनेमा में संबंध के समान विचारधारा वाला दृष्टिकोण और विचारधारा साझा की थी। खान अगली बार निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के साथ मैं क्या है नाटक एकलव्य द रॉयल गार्ड में अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, शर्मिला टैगोर और विद्या बालन के साथ फिर से जुड़े। दौरानिया फिल्म में एक ईर्ष्यालु और कृतज्ञ शशक और उसकी बीमार पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई और इसे ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भी चुना गया। बीएस ऑनलाइन ने फिल्म को एक सिनेमैटिक अनुभव बताया और एक अभिनेता के रूप में खान के विकास की प्रशंसा की। विशेष रूप से बच्चन के चित्रण के साथ साथ उन्होंने दृश्य पर अध्ययन किया। खराब प्रतिक्रिया वाली एक्शन कॉमेडी नल्ले नहले पे दहला पे इसकी उपस्थिति के बाद खान ने प्रारंभिक धारा तारारम में रानी मुखर्जी के साथ अभिनय किया। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इसे आलोचकों के से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन भारत और विदेशों में 690 मिलियन से अधिक कमाई की। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए खालिद मोहम्मद ने नई पारिवारिकता प्रदर्शित करने के लिए खान की प्रशंसा की, लेकिन राजीव मंसद ने सोचा कि यह तो वह तो नहीं मुखर्जी द्वारा ज्यादा प्रभाव छोड़ने में सक्षम रहे। हालांकि उनके पुत्र बहुत ही आयामी और उबाऊ हैं। खान को 2008 में अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, बिपाशा बसु, कैटरीना कैफ और समीरा रेड्डी जैसे कलाकारों के साथ अब्बास मस्तान थ्रिलर रेस में अभिनय करने की अधिक सफलता मिली। यह फीचर 1993 की अमेरिका फिल्म गुडबाय लवर से लिया गया था और यह बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जिसने दुनिया भर में 1.03 बिलियन की कमाई की। CNN IBN की राजीव मंसद ने खान के समूह में सबसे अलग बताया और कहा कि लेकिन वह अच्छा प्रभाव छोड़ते है। इसके बाद ईशराज फिल्म द्वारा निर्मित 3 परियोजनाएं आई, एक्शन थ्रिलर फिल्म टशन, फंसासी कॉमेडी ड्रामा थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और अनलिमिटेड फिल्म रोड साइड रोमियो, जो भी सफल रही। तो जान रो में खान ने रोमांटिक ड्रामा सनम तेरी कसम में दिखाई दिए। प्रोडक्शन 2020 में विलंबित था। फिल्म को नकारात्मक समीक्षा और बॉक्स ऑफिस पर खराब रिटर्न हुआ। खान को भूमिका छोटी थी और अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने बताया कि कंपनी से पहले निर्देशक इत्साम अली ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी दीपिका पादुकोण के साथ प्रदर्शित की। युवाओं के बीच रिश्ते के बदले मूल्य में दस्तावेजीकरण किया गया और उन्होंने इसमें अच्छी भूमिका निभाई और खान ने दोहरी भूमिका निभाई। ऋषि कपूर के चित्रण युवा भाग वीर सिंह और वर्धन सिंह और महत्वाकांक्षी वस्तुकार लव आजकल। समीक्षा द्वारा अधिकतर सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त और दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में एक बन गई। एल्मोनिक टाइम्स की गौरव मालिनी ने उनके प्रदर्शन के लिए ताजा लव आजकल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया और खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4वां नामांकन मिला। उसके बाद उन्होंने करीना कपूर, विवेक ओबेरॉय और दिया मिर्जा के साथ आतंकवाद थ्रिलर कुर्बान में अभिनय किया। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित यह फिल्म रिलायंस डी सिल्वा से निर्देशित पहली फिल्म थी और इसमें खान को एक आतंकवादी के रूप में दिखाया गया था। रिलीज होने पर कुर्बान को आलोचकों द्वारा अनुकूल प्रतिक्रियाएं मिली और रिलीज होने पर कुर्बान और टेलीग्राफ की समीक्षा पर उन्होंने एक आकर्षण प्रेमी से एक घातक मिशन के हृदयहीन व्यक्ति में आसान परिवर्तन की प्रशंसा की गई। कैरियर में उतार चढ़ाव और दूसरी शादी ये साल 2014 2011 से 2015 तक तो
2011 में वे प्रकाश झा की मल्टी स्टार ड्रामा आरक्षण में दिखाई दिए गए। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर पर आधारित यह फिल्म सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों पर जाति आधारित आरक्षण की नीतियों को संबोधित है। खान ने एक विद्रोही छात्र दीपक कुमार का किरदार निभाया है जो माफिया में शामिल हो जाता है। भूमिका की तैयारी के लिए खान ने बाकी कलाकारों के साथ अभिनय किया। कार्यशैली में लाने की आवश्यकता थी को अभिनय कार्यशाली लाने की आवश्यकता थी। इसकी रिलीज से पहले उन्होंने फिल्म को इस विवादास्पद विषय के कारण भारत को चुनिंदा शहरों में रिलीज होने के प्रतिबंध कर दिया, जबकि फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। उनके प्रदर्शन को आम तौर पर खूब सराहा गया। अगले वर्ष खान ने अपने दोनों फिल्मों का निर्माण और अपनी पहली रिलीज के लिए एक बार फिर निर्देशक श्री राम राघवन के साथ एक्शन थ्रिलर एजेंट विनोद में नायक के रूप में दिखाई दिए। खान ने इसे अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में वर्णित किया, लेकिन फिल्म को मिश्र समीक्षा मिली और अंततः बॉक्स ऑफिस पर कमजोर प्रदर्शन किया। भारत में 620 मिलियन के बजट पर 400 मिलियन की कमाई की और अपनी अगली रिलीज होमी अदनेचा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कॉकटेल में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौतम कपूर की भूमिका निभाई। लंदन में स्थापित यह फिल्म खान की चित्रण के लिए दो अलग अलग स्वभाव में महिलाएं के साथ एक रिश्ते की कहानी बताती है। एक आवेगी पार्टी गर्ल और एक विनम्र लड़की पड़ोसी में है। खान ने परियोजना में आधुनिक संवेदनशील और एक उपचार के साथ एक प्रेम कहानी के रूप में वर्णित किया और इमरान खान द्वारा उनकी भूमिका के अस्वीकार करने के बाद फिल्म में निर्माण में फीचर की सहमति व्यक्त की। फिल्म के बारे में समीक्षाओं की राय बांटी हुई थी, लेकिन यह 1.2 बिलियन के अधिक कमाई के साथ वित्तीय रूप से सफल हुई दुनिया भर में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने गौरव मालिनी के खान के प्रदर्शन के लिए सहज बताया और कहा कि अपने आरामदेह क्षेत्र में थे। 16 अक्टूबर 2020 खान ने अपने आरामदेह क्षेत्र 16 अक्टूबर में मुंबई बांद्रा में एक निजी समारोह में अभिनेत्री करीना कपूर 5 साल में प्रेम लाभ के साथ शादी की और बाद में मुंबई में ताज पैलेस होटल और लुधियाना बंसा जोन में रिसेप्शन आयोजित किया। क्रमश दिल्ली दंपति दो बेटी जिनका जन्म 2016 और 21 में हुआ। अगले वर्ष खान ने अब्बास मस्तान की रेस 2 में चौथी बार अनिल कपूर जॉन अब्राहम जैकलीन फर्नांडिस और अमीषा पटेल के साथ पादुकोण के साथ सहयोग किया, जो एक एक्शन थ्रिलर थी जो रेस की अगली की कड़ी थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। 1.62 बिलियन US 20 मिलियन की कुल संग्रह के साथ व्यवसायिक रूप से सफल साबित हुई। अगली बार उन्होंने राजा नीमदेव की कृष्ण डी के की गो गो गोवा गोन में बोरिस एक रूसी माफिया डोन के रूप में लिया गया। कुणाल खेमू और वीर दास के साथ खान ने उन्होंने अपनी फिल्म वाले बालों में ब्लीच किया था। विशेष रूप से कॉमेडी परियोजना में नवीन अवधारणा इसकी एक्शन कॉमेडी हिंसा के कारण आकर्षित हुए थे। समीक्षा राजीव मनसत ने फिल्म को 3 मुख्य कलाकारों हंसी मजाक वाले संवाद बताया गया। सही समय में यह प्रदर्शन के लिए विजयी कॉकटेल बताया गया। विशेष रूप से खेमू के चित्रण के साथ साथ खान का दृश्य लेके था। वर्ष में अंतिम रिलीज उनकी बुलेट राजा थी जो तिमांशु दुलिया द्वारा निर्देशित एक अपराध नाटक था। सोनाक्षी सिन्हा खान को बताया कि वह एक राजा मिश्रा की भूमिका निभाने की चुनौती मिली, लेकिन वह दुलिया के मार्गदर्शन पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। बुलेट राजा ने बॉक्स ऑफिस टाइम्स ऑफ इंडिया के एक साक्षात्कार में खान ने बताया कि उन्हें 2014 में साजिद खान द्वारा निर्देशित कॉमेडी हम शक्ल में अभिनय करने के का अफसोस है। कई कलाकारों रितेश देशमुख, राम कपूर, बिपाशा बसु, तमन्ना और ईशा गुप्ता
के साथ सह अभिनीत खान ने अपने बाजार का विस्तार करने के और आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के प्रयास में तीन अलग अलग पात्रों को चित्रित किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे मंदबुद्धि कॉमेडी के रूप में वर्णित किया और फिल्म के बारे में सबसे खराब चीज होने के लिए खान की आलोचना की। उन्होंने अगली बार हैप्पी एंडिंग का निर्माण और अभिनय किया। 2014 में राजन निम्बदूरु कृष्ण डी के द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी NDTV के सेबिल चटर्जी के साथ संघर्षरत लेखक किसान खान ने उसको चित्रित। एक दशक पहले उन्होंने हम तुम और सलाम नमस्ते व्यक्तिगत में एक सहज बदलाव पाया और कहा कि हैप्पी एंडिंग में उसकी द्वारा की गई एक पॉलिटिकल हुक में आप ब्रेकअप के पूरी तरह फिल्म का उपदेश से मेल नहीं खाते हैं। हम शकल एक व्यावसायिक आपदा साबित हुई और हैप्पी एंडिंग एक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कॉमेडी डाली की डाली 2015 में एक संपुष्ट भूमिका के बाद वह कबीर खान के आतंकवाद विरोधी नाटक फैंटम में कैफ के साथ दिखाई दिए। हुसैन जैदी की किताब मुंबई एवेंजर्स पर आधारित यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमले के बाद की कहानी है। खान को कैप्टन के रूप में चुना गया। दीयान खाल को रोंजस्ट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया, एक पूर्व सैनिक। फैंटम तब विवादित उत्पन्न हुआ। केंद्रीय सेंसर फिल्म बोर्ड ने माना कि फिल्म पाकिस्तान का नकारात्मक प्रतिनिधित्व करती है और फिल्म में वहां रिलीज होने पर प्रतिबंध लगा दिया। हॉलीवुड रिपोर्टर ने इसे समीक्षा के कहा गया कि खान अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से कास्ट और विश्वसनीय थे और फिल्म फेयर में रचिता गुप्ता ने उन्हें प्रदर्शन के लिए बहादुरी और संयमित तीव्रता का एक मादक मिश्रण केवल भागों में काम करता है और एक रूप से वर्णित किया। हालांकि खान फिल्म के लिए प्रदर्शन के से खुश थे, फिर भी उन्होंने फैंटम को आमतौर पर बॉक्स ऑफिस पर असफलता माना गया, जिसने दुनिया भर में 720 मिलियन US 9 मिलियन के बजट पर 884 मिलियन US में 11 मिलियन की कमाई की। क्योंकि यह पाकिस्तान सेंसर फिल्म बोर्ड ने इसे पाकिस्तान में जाने से रिलीज होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। व्यावसायिक असफलताएं और व्यावसायिक विस्तार 2016 से वर्तमान का कैरियर। वैश्विक सफलताएं और वैश्विक विस्तार 2016 से वर्तमान तक। स्क्रीन से अपनी साल भर की अनुपस्थिति के दौरान खान ने सक्रिय रूप से अलग अलग भूमिकाएं निभाई। उन्होंने कहा, ये आर्थिक स्मार्ट फिल्म है, उन्हें उनके साथ बातचीत बहुत फायदेमंद है। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार अपनी शैली की समझ को समझना शुरू कर रहा हूँ। अभिनेता, मैं अपनी कला विकसित कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि अभिनय और संचार क्या है। उन्हें निर्देशन विशाल भारद्वाज के साथ अपने दूसरे सहयोग रंगून 2017 में भूमिका मिली, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महाकाव्य रोमांस थी। शाहिद कपूर और कंगना रनौत के साथ अभिनय करते हुए खान ने फिल्म निर्माता रुस्तम रूसी बिली मौर्य को चित्रित करने के लिए अपने दादा और डार्थ वाटर के चरित्र से प्रेरणा ली। राजीव बंसल ने फिल्म को लंबी थकावट की हद तक मनोरंजक कहा, लेकिन 40 के दशक के दौरान के एक कुलीन व्यक्ति और स्वेगर को अहंकार साथ रूसी को शामिल करने के लिए खान की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी ड्रामा से 2017 में नायक रोशन कॉलर के रूप में अभिनय किया, जो निर्देशित राजकृष्ण मेमन की इसी नाम की 2014 की फिल्म का आधिकारिक रूपांतरण था। खान मेमन के साथ काम करके प्रसन्न थे और उन्हें रिश्तों पर आधुनिक थोड़ा अपरंपरागत दृष्टिकोण के कारण फिल्म से जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने अपने किरदार के लिए वास्तविक जीवन के अनुभव को उधार लिया और तैयारी के लिए मुंबई के JW मैरियट होटल में प्रशिक्षण लिया। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और कई टिप्पणियों टिप्पणीकारों का मानना था कि यह उस समय की तक
खान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अनुपमा चोपड़ा ने लिखा, खान को अपनी लक वापस ले वापस मिल गई। वह बुरे दिन वाले नायक के रूप में रोशन की भूमिका नहीं निभाने निभाते, वह हमें एक त्रुटिपूर्ण लड़खड़ाते हुए व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी उनकी पिछली कुछ रिलीजों की तरह रंगून और सैफ ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की, जिसके कारण व्यापार विश्लेषकों ने उनकी व्यावसायिक अपील पर सवाल उठाया। अक्षत वर्मा द्वारा निर्देशित खराब प्रतिक्रिया वाली ब्लैक कॉमेडी कालाकांडी 2018 में अपनी उपस्थिति के बाद खान भारत की पहली नेटफ्लिक्स मूवी श्रृंखला क्राइम थ्रिलर सीक्रेट गेम्स में इंस्पेक्टर सरताज सिंह के रूप में दिखाई दिए, जो विक्रम चंद्रा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे के साथ अभिनय करते हुए खान को रचनात्मक क्षेत्र का हिस्सा बनाने का अवसर मिला, जो कुछ दबाव और बाधाओं से रहित था, जिसे कोई भी उस तरह की फिल्मों के साथ जोड़ सकता है जो हम आमतौर पर करते हैं। शो को काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। हब पोस्ट के अंकुर पाठक ने इसे एक निश्चित शॉर्ट विजेता कहा और खान के शानदार प्रदर्शन पर ध्यान दिया, जिसे वह धीरे धीरे चबाता है क्योंकि वह एक पीड़ित पुलिस वाले टूटे हुए व्यक्ति रिश्ते में गायब हो जाता है। अपनी अगली रिलीज में उन्होंने गौरव चावला की बाजार में वैसाई सुकून कोठारी की भूमिका निभाई, जो मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज बाजार की भूमिका पर आधारित एक नाटक था। खान ने ऑफ स्क्रीन इनपुट प्रदान करने के लिए चावला के साथ काम किया और भारतीय महाकाव्य महाभारत से एक कुटिल चरित्र के रूप में वर्णन करते हुए प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के विचार से आकर्षित हुए। मिंट की आलोचक उदित झुनझुनवाला इच्छा शक्ति के साथ सही मात्रा में दुष्टता का मिश्रण करने के लिए खान की सराहना की, लेकिन नम्रता जोशी ने पाया कि वह कठोर और सख्त है। खतरे की एक दिखावटी भावना का संचार करने के लिए बाजार 340 मिलियन उसमें 4.3 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 399 मिलियन इसमें 5.0 मिलियन की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। वैसे अपील के बावजूद कलात्मक योग्यता के लिए फिल्मों में काम करने की खान की इच्छा ने उन्हें एक्शन ड्रामा लाल कप्तान 2019 में नायक के रूप में प्रदर्शित किया। नवदीप सिंह द्वारा निर्देशित यह 8वीं सदी शताब्दी पर आधारित है और एक साधु खान की कहानी बताती है, जो एक सूबेदार से बदला लेने के इरादे से हत्या की होड़ में चला जाता है। ग्रामीण राजस्थान के बंजर परिदृश्य में फिल्मांकन खान के लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और उनकी भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने तलवारबाजी घुड़सवारी सीखी और राजस्थानी लहजे में बोलने के लिए एक बोली प्रशिक्षक के साथ काम किया। उन्होंने इसे अब तक का सबसे कठिन काम बताया और इस अवसर को एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव माना, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से मदद की। अंत यह एक अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही हब पोस्ट के नैतिक रूप के से स्पष्ट भूमिकाएं चुनने के खान के फैसले की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा गया कि वह बहुत लकड़ी के थे कि किसी भी आकर्षण का रहस्य से रहित थे। खान ने एक दशक की शुरुआत ओम राउत द्वारा निर्देशित एक ऐतिहासिक ड्रामा तानाजी 2020 में एक अभिनीत भूमिका के साथ 7वीं शताब्दी के स्थापित यह एक मराठा योद्धा देवगन द्वारा अभिनीत व राजपूत किले के रक्षक खान के कोंडना जिले को दोबारा हासिल करने के प्रयास के इर्द गिर्द घूमती है। वह जीवन से भी बड़ी फिल्म में अभिनय करने के विचार से आकर्षित थे और अपने किरदार को जरूरत से ज्यादा दिखाने में राउत के आग्रह ने उन्हें चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया ने उन्हें बहुत समर्थ बना दिया और वे सहयोग से संपन्न हैं। तानाजी कॉलेज को द्वारा सराहा गया और यह
से अधिक की कमाई के साथ एक व्यावसायिक सफलता के रूप में दुनिया भर में 3.67 बिलियन US में से 46 मिलियन फिल्म कंपेनियन के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए अनुपमा चोपड़ा ने खान के प्रदर्शन को फिल्म की प्रमुख संपत्ति माना और उन्हें एक चुटकीले व्यंग के साथ अतिरंजित बुराई का किरदार निभाने का श्रेय दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की राय है कि खान ने लोगों को मारने के बीच अपनी भयावह हंसी के साथ आना क्षणों को ध्यान में रखते हुए अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। तानाजी ने खान को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। वर्ष की अगली रिलीज जवानी जाने मन थी, जो एक कुंवारे खान के जीवन के बारे में एक कॉमेडी ड्रामा थी, जिसे पता चलता है कि उनकी एक बेटी अलाया फर्नीचर वाला द्वारा अभिनीत इस फिल्म का निर्माण उनकी नई कंपनी ब्लैक नाइट फिल्म्स के तहत किया गया था और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। मुंबई मिरर के कुणाल गुहा ने पाया कि फिल्म ने खान को एक ताज़ा आने वाली उम्र की कहानी, एक परिचित अभी उम्र के उपयुक्त अवतार के फिसलने की अनुमति दी। 2021 में खान की पहली बार अली अब्बास जफर द्वारा निर्मित और निर्देशित अमेजन प्राइम वीडियो की वेब श्रृंखला तांडव में एक राजनेता के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने वरुण वी शर्मा की क्राइम कॉमेडी बंटी और बबली टू में मुखर्जी के साथ और पवन कृपलानी की हरार कॉमेडी भूत पुलिस में अर्जुन कपूर, यमी गौतम और जैकलीन फर्नांडिस के साथ काम पूरा किया और गो गोवा गॉन के सिक्वल में बोरिस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। खेमू के साथ गो गोवा गॉन 2 2022 में उन्होंने फिल्म के लिए ऋतिक रोशन के सहयोग किया। विक्रम वेधा उन्होंने एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा मिली, जहां सैफ चटर्जी ने लिखा, सैफ अली खान एक बेहतर विक्रम बनाते हैं, वह सख्त पुलिस वाले के चरित्र को दृढ़ विश्वास के साथ निभाते हैं और बाहरी क्रूरता दिखाते हैं जो आदमी और उनके मिशन को परिभाषित करते हैं। ऑफ स्क्रीन काम अपने अभिनय करियर के साथ साथ खान ने कई संगीत कार्यक्रम और टेलीविजन पुरस्कार समारोह में भाग लिया। उन्होंने अपने पहले कंटेस्ट टू टेम्पटेशन 2004 में अभिनेता शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल और प्रियंका चोपड़ा के साथ प्रदर्शन किया। दुनिया भर में 22 से अधिक देशों में प्रदर्शित यह उस समय तक बॉलीवुड का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम बन गया। दिसंबर 2005 में खान ने नई दिल्ली में मित्तल गार्डन में बैंड परिक्रमा के साथ प्रदर्शन किया और बाद में 2 साल बाद तक द रॉयल स्टिंग मेगा म्यूजिक कंसर्ट, 4 शहरों का कंसर्ट 2 के लिए उनके और स्ट्रिंग के साथ फिर से जुड़ गए। अगले वर्ष वह अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन और सोनाली जेठली के साथ हिट 2006 में विश्व दौरे का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों के साथ प्रदर्शन किया। अक्टूबर 2011 से खान ने अपने पिता के नेत्र अस्पताल के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली और कई अन्य धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थित भी हुए हैं। फरवरी 2005 में खान और कई अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं ने 2005 हेल्प में भाग लिया। 2004 हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी के पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए टेलीथॉन कंसर्ट उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर के हलिंडे क्रिकेट ग्राउंड में आईफा द्वारा आयोजित एक चैरिटी क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया और बाद में 2011 में विभिन्न चैरिटी के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजित एक कार्यक्रम की मेजबानी की। नवंबर 2008 में खान ने 2008 के बिहार बाढ़ पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन किया और सितंबर 2013 में उन्होंने द वेणु आई इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक चैरिटी डिनर में भाग लिया और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए अपने दो निजी सामान दान कर दिए। उस वर्ष बाद में उन्हें
उन्होंने बुलेट राजा की फिल्म आंकर के दौरान वंचित बच्चों के साथ समय बिताया। अक्टूबर 2014 में खान ने ओलंपिक गोल्ड केविंस के लिए एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए 2 मिलियन दान दिया था मीडिया में। राजीव मंसद के साथ एक साक्षात्कार में खान ने खुद को एक बहुत ही निजी व्यक्ति बताया। पत्रकार रेशमीला भट्टाचार्य ने कहा, अधिकांश अभिनेताओं के विपरीत उनकी रुचि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्कआउट रूटीन तक सीमित नहीं है। वे दर्शन से लेकर राजनीति तक, खेल से लेकर किताबों और संगीत तक किसी भी चीज पर बातचीत कर सकते हैं। फिल्म फेयर ने लिखा कि अपने करियर की शुरुआत में खान ने अहंकारी होने के लिए प्रतिष्ठा हासिल की, लेकिन बाद में वह शोबिज के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित सितारों में से एक बन गए। अपने करियर के दौरान उन्होंने हाई प्रोफाइल मुख्य धारा प्रस्तुतियों और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के कम प्रचलित फिल्मों दोनों में भूमिकाएं निभाई और कई प्रकार की फिल्म शैलियों में दिखाई दिए। हालांकि उन्हें रोमांटिक कॉमेडीज में भूमिकाएं निभाने में एक विशेष अवसर मिला। द ट्रिब्यून ने लिखा कि दिल चाहता है 2001 कल हो ना हो, 3 हम तुम, 2004 सलाम नमस्ते, 2005 लव आजकल, 2009 और काकलीर 2012 में उनकी भूमिकाएं अनिवार्य रूप से प्यारे सुंदर लड़के थे। और इन फिल्मों की सफलता ने उन्हें रोमांटिक कॉमेडी के पोस्टर बॉय के रूप में स्थापित किया। बैट वाशिंग वाट किस रोमांटिक कॉमेडीज में खान की विशिष्ट भूमिका और उनकी अपील के बारे में बताते हैं। शायद ही सुधार की आवश्यकता वाले चिड़चिड़े घमंडी लगभग असहनीय युवा पुरुषों की भूमिका निभाने की उनकी चालाकी संबंधित है। जैसे यह बॉलीवुड होने के नाते वे एक अच्छी महिला के प्यार के माध्यम से आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्या उनकी वास्तविक जीवन की सार्वजनिक स्थिति साहित्य के साथ है? सिनेमा, क्रिकेट और उनके वंश में राजशाही उसे बिगड़ैल के रूप में सामने आने में असाधारण रूप से प्रभावी बनाते हैं। बॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक खान को भारत में सबसे लोकप्रिय और हाई प्रोफाइल हस्तियों में से एक माना जाता है। प्रत्येक भूमिका के लिए प्रतिबंध होने के लिए जाने जाते हैं और तीर सीखने की व्यवस्था में बने रहने में विश्वास करते हैं। व्यस्त कार्यक्रम और भारी धूम्रपान के साथ इस प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप 2007 में स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया। उनके करियर का विश्लेषण करते पत्रकार सोमनी सेन ने कहा कि वह अभिनेता 1990 के दशक की शुरुआत में कुछ प्रमुख फिल्मों का हिस्सा थे, फिर भी स्क्रीन पर उपस्थिति की कमी और खराब संवाद अदायगी के कारण आलोचकों ने उनके बारे में लिखा। आलोचकों ने कहा कि दिल चाहता है यह खान के लिए एक प्रमुख मोड़ था और उन्हें फिल्मों की एक नई शैली जो अधिक शहरी थी का हिस्सा बनने के लिए अभिनेताओं के आंदोलन का नेतृत्व करने का श्रेय दिया गया। फिल्म इतिहासकार नसरीन मुनीर कबीर ने कहा कि फिल्म ने उन्हें अपनी खुद की शैली, शानदार कॉमिक टाइमिंग और एक प्राकृतिक व्यक्तित्व का संयोग खोजने में मदद की। सेन ने आगे बताया कि अंग्रेजी परिवेश जो शुरू में उनके करियर की बाधा थी, उनका सबसे मजबूत बिंदु बन गई। एक हसीना थी 2004, परिणीता 2005, बीइंग साइरस और ओमकारा दोनों 2006। विभिन्न प्रकार के चरित्रों के चित्रण के बाद खान को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए बॉलीवुड में प्रमुख अभिनेताओं के लिए एक नई छवि की स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। और द ट्रिब्यून ने प्रकाशित किया कि खान सफलतापूर्वक एक सशक्त अभिनेता और एक भरोसेमंद स्टार के रूप में परिपक्व हो गए। 2007 से शुरू होकर करीना कपूर के साथ खान का रिश्ता देश की सबसे अधिक रिपोर्ट की जाने वाली सेलिब्रिटी कहानियों में से एक बन गया।
और उन्हें दुनिया भर में ब्रांडों और उत्पादकों के लिए से सेलिब्रिटी युगल एंडोर्सर से सूचीबद्ध किया गया। दावान स्टेजनर द्वारा प्रकाशित एक बुलंग में रूपा सुब्रमण्यम ने अपनी शादी को भारत की वर्ष की शादी और सामाजिक घटना बताया। कपूर ने दिसंबर 2016 में अपने बेटे तैमूर को जन्म दिया। 2012 से 2019 तक खान को बॉबर्स इंडिया के सेलिब्रिटी 100 में शामिल किया गया, जो भारत की मशहूर हस्तियों और आय और लोकप्रियता पर आधारित थे। वह 2012 और 2014 में क्रमशः 642 मिलियन और 639 मिलियन वह 2012 और 14 में क्रमशः 642 मिलियन और 621 मिलियन की अनुमानित वर्ष कमाई के साथ 15वें स्थान पर रहे। 2003 में खान को रेडिफ के शीर्ष बॉलीवुड पुरुष तारों की सूची में चौथे स्थान पर रहे। बाद में उन्होंने उन्हें 2005 में दूसरा, 2006 में छठा और 2007 में सातवां स्थान, और मार्च 2011 में खान को रेडिफ के 2010 से 2006 की 10 अभिनेताओं की सूची में से पांचवें स्थान पर प्राप्त हुआ। 2005 से 2015 तक टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वाधिक वांछित पुरुषों की सूची में उन्हें शीर्षक 30 के स्थान पर रखा, और 2008, 2011 और 2012 में यूके पत्रिका ईस्टर्न आई ने इस विश्व के सबसे सेक्सी एशियाई पुरुषों की सूची में भी शामिल हुए। 2010 से 2012 से 2011 14 तक खान को पुरुषों में से एक चित्रित किया गया था। जेक्यू पत्रिका और भारतीय संस्करण द्वारा सर्वश्रेष्ठ पोशाक वाले पुरुष सेलिब्रिटी पुरस्कार। खान ने दो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 12 नामांकन और साउथ फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। आशिक आवारा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दिल चाहता है और हम तुम के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कल और कल होना हो तानाजी हम तुम के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ओमकारा के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, और कल होना हो के लिए मोटो लुक ऑफ द ईयर। अब बात करते हैं इनके अवार्ड और नॉमिनेशन की। तो सबसे पहले इनको 60 पुरस्कार के लिए 60 पुरस्कार मिले हैं। पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत एक, नामांकन एक भी नहीं। राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते 7 है, नामांकन 5 है। आईफा पुरस्कार जीते 3 है, नामांकन 5 है। जी सिने अवार्ड 3 जीत 3 नामांकन। स्टार स्क्रीन अवार्ड 4 जीत 3 नामांकन। स्टारडक्स पुरस्कार 1 जीत 1 नामांकन। अन्य पुरस्कार 15 और जीत और नामांकन 3, सम्मान 7 और नामांकन 1 भी नहीं। जैसे बताया कि कुल जीत 40 और नामांकन 20। खान ने 2015 में हम तुम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुष्ट प्रदर्पण, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता मोटरोला मोटो लुक ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ नायक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आशिक आवारा दिल चाहता है कल हो ना हो हम तुम, ओमकारा मैं खिलाड़ी परिणीतम सलाम नमस्ते अल्लाह वाजकर तनाजी। जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया मनोनीत, जीत लिया जीत लिया मनोनीत 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 जीत लिया। आईफा पुरस्कार वर्ष 2002, 4, 7, 5, 6, 10, 22। वर्ग सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ खलनायक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। दिल चाहता है कल हो ना हो ओमकारा एक हसीना थी हम तुम परिणीता सलाम नमस्ते लवाजकल तनाजी। परिणाम जीत लिया मनोनीत 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 मनोनीत। और इन इन इनको कुल इनको आईफा पुरस्कार 5 मिले हैं, 5 के नामांकन किया गया है और बाकी और 3 ये जीते हैं। बाकी जी सी अवार्ड्स 2000, 2, 4, 7, 5, 6 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ खलनायक, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दिल चाहता है कल हो ना हो ओमकार एक हसीना थी तुम हम तुम और परिणीता।
जीतला 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 मनोनीत 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 स्टार स्क्रीन अवार्ड 2002 2004 5 12 5 और 6 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सर्वश्रेष्ठ खलनायक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ खलनायक और जोड़ी नंबर 1 दिल चाहता है कल होना हो ओमकारा आरक्षण हम तो में हसीना थी सलाम नमस्ते जीतला 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 मनोनीत 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 स्टारडक्स पुरस्कार वर्ष 2007 पुरस्कार वर्ष का सितारा पुरुष नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ओमकार परिणाम मनोनीत जीत लिया। तो इसी के साथ गाइस इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। फिल्में इनकी फिल्में 1993 परंपरा आशिक अवारा पहला नशा और पहचान 1994 इम्तिहान ये दिल लागी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी यार गद्दार आओ प्यार करे 1995 सुरक्षा 1996 एक था राजा बम्बई का बाबू तू चोर मैं सिपाही दिल तेरा दीवाना 1997 हमेशा और उड़ान 1998 कीमत दे आर बैक अजय हमेशा बढ़कर कौन हमसे बढ़कर कौन सनी 1999 ये है मुंबई मेरी जान राजू तारा चंद कच्चे धागे धन्य जीत आरजू अमर बीबी नंबर 1 दीपक शर्मा हम साथ साथ हैं विनोद चतुर्वेदी 2020 क्या कहने राहुल मोदी 2001 लव के लिए कुछ भी करेंगे दिल चाहता है रहना है दिल तेरे दिल में प्रकाश शास्त्री समीर मूलचंदी और राजीव 2002 ना तुम जानो ना हमें अक्षय कपूर 2003 डरना मत कल हो ना हो एलओसी कारगिल अनिल मारचंदी रोहित पटेल लेवेंट कैप्टन अनुज नैयर 2004 एक हसीना थी हम तुम करण सिंह राठौड़ करण कपूर 2005 परिणीता शेखर राय सलाम नमस्ते निखिल निक अरोरा 2006 बीइंग क्रॉस मिस्ट्री इंग्लिश फिल्म ईश्वर लंगदा त्यागी 2007 एकलव्य द रॉयल गार्ड हर्षवर्धन राणा नेले पे देला जिमी तारनम पम पम रजवीर सिंह ओम शांति ओम हिमसेल्फ आ स्पेशल अपीयरेंस इन सॉन्ग दीवानगी दीवानगी 2008 रेस रणवीर रोने सिंह तिशन जिमी क्लिफ जितेंद्र कुमार और मखवाना थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक रणवीर तलवार रोड साइड रोमियो रोमियो वॉइस एनिमेटेड फिल्म फीचर 2009 सनम तेरी कसम विजय वर्मा लव आजकल जयवर्धन सिंह एंड यंग वीर सिंह कुर्बान एहसान खान खालिद 2011 आकर्षण दीपक कुमार 2012 एजेंट विनोद ऑल्सो प्रोड्यूसर कॉकटेल गौतम गुट्टू कपूर ऑल्सो प्रोड्यूसर 2013 रेस टू रणवीर रोनी सिंह बॉम्बे टॉकीज हिमसेल्फ गो गोवा गोन बोरिस बुलेट राजा राजा मिश्रा 2014 हम शकल अशोक मगना अशोक टू चंकू डॉक्टर खान असिस्टेंट लेकवर हम प्रोड्यूसर हैप्पी एंडिंग जोड़ी जेटवेल एंड योगी ऑल्सो प्रोड्यूसर 2015 डोली की डोली फैंटम प्रिंस कुमार आदित्य सिंह कैमियो डेनियल खान 2015 रंगून रुस्तम रूसी बिलमारियो शेफ रोशन कलेरा 2018 कालाकंदी रिलेन शकुन बाजार शकुन कोठरी और 2019 लाल कैप्टन गोसीन 2020 तनहाजी उपदेविंग सिंह राठौड़ जयवानी जमीना जसविंदर जैज सिंह दिल बेचारा अभिमन्यु वीर 2021 भूत पुलिस विद्योत विभु वैद्या बंटी और बबली टू बंटी भूलर बॉबी राकेश त्रिवेदी 2022 विक्रम वेधा विक्रम 2023 आदि पुरुष लंकेश 2024 देवारा बहरिया टेलीविजन 2003 2004 2005 2008 2010 2013 फोर्टी फाइन फेयर ऑफ द फिल्म फेयर फिल्म फेयर फिल्म फेयर अवार्ड्स सिन्युक 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 फाउंटेन हेड एंटरटेनमेंट नोट्स टेलीविजन स्पेशल टेलीविजन स्पेशल टेलीविजन स्पेशल टेलीविजन स्पेशल टेलीविजन स्पेशल वेब सीरीज ईयर 2018 टू 2019 स्केयर्ड गेम्स सरजत सिंह 2021 टांडव समर प्रताप सिंह वेब सीरीज। चलिए तो गाइस बात करते हैं इस मूवी के अंदर एक एक हीरो के बारे में। तो उनका नाम है प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1935 को। वह एक भारतीय और पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता हैं। उन्होंने 60 से ज़्यादा अधिक वर्षों में 380
फिल्मों में भी नहीं किया, ज्यादातर फिल्म में विलन होने के बावजूद उनका बोलचाल का बोलबाला है। उनकी 19 फिल्मों उनके साथ पृथ्वी और राजेश खन्ना में मुख्य भूमिका में दर्शकों और राजकों के बीच लोकप्रिय है। जन्म 23 दिसंबर 1935, उम्र 86, लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत। पेशा अभिनेता, सक्रिय वर्ष 1960, वर्तमान जीवन साथी उमा चोपड़ा 1969 तक। संतान 3, रिश्तेदार शर्मान जोशी दामाद, विकास भल्ला दामाद, प्रेमनाथ जीजाजी, राजेंद्रनाथ जीजाजी, नरेंद्रनाथ जीजाजी। वेबसाइट premchopra.com। चोपड़ा, रणवीर, बाल और पंजाबी हिंदू परिवार। रूप रानी चोपड़ा में के 6 बच्चों में से तीसरे हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला, वर्तमान शिमला में चला गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने SETT सीनियर सेकेंड स्कूल शिमला से पढ़ाई की। उनके पिता चाहते थे कि वह एक डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने। चोपड़ा ने अपने पिता को, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, का तबादला होने के बाद शिमला में अपनी शिक्षा और कॉलेज पूरा किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में स्नातक किया। उन्होंने कॉलेज के नाटकों में उत्साह से भाग लिया। अपने बॉम्बे, वर्तमान मुंबई चले गए। अपनी पहली फिल्म बनाने के तुरंत बाद उनकी माँ के मुंह का कैंसर का पता चला और उनकी मृत्यु हो गई। उनके तकलीन वर्षीय बहन अंजू की देखभाल उनके पिता और उनके 4 अन्य भाइयों द्वारा की गई। भाइयों को अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी बहन पहली बेटी मानता है तो जाने माने लेखक निर्देशक नीक ट्रेंड प्रेम कृष्ण कपूर, राज कपूर की पत्नी प्रेमनाथ, रणजिंदर नाथ की छोटी बहन थी। दंपत्ति की 3 बेटियां हैं, रकीता पुनीत और राहुल नंदा और प्रेरणा चोपड़ा। रकीता की शादी फिल्म सबिलिटी डिजाइनर राहुल नंदा से हुई, जो लेखक और पटकथा लेखक गुलशन नंदा की बेटी हैं। पुनीत उपनगर मुंबई के बांद्रा में विड चाइल्ड नामक एक प्री स्कूल के मालिक हैं। उन्होंने उन्हें गायक और टेलीविजन अभिनेता विकास भल्ला से शादी की है। प्रेरणा ने बॉलीवुड अभिनेता शर्मान ज्योति से शादी की। चोपड़ा मुंबई के बांद्रा में पहली हिल के डुप्लीकेट अपार्टमेंट में रहते हैं। 1990 के दशक में अंत में उनके अपने 4 भाइयों से दो से अलग होना हो गए। चोपड़ा ने 1980 में दिल्ली के बंगला खरीदा और जिस पर उनके पिता और संयुक्त संपत्ति था। उनके पिता और एक भाई वहां रहते हैं। चोपड़ा ने अपने भाई को दिल्ली की नौकरी दिलवाई और बंगले में रहने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता की उनके मृत्यु से एक दिन पहले उनके भाई के पक्ष में हस्ताक्षर करने के लिए चोपड़ा ने बंगले के अधिकारों को छीन लिया। बाद में उसी घर में एक आयकर छापा मारा और उसके भाई ने छापे में कहा कि चोपड़ा ने उन्हें बंगला दिया था, लेकिन घर अभी भी प्रेम चोपड़ा के नाम पर था। चोपड़ा ने बॉम्बे में 2 अन्य घर थे, जिन्हें उनके अन्य भाइयों ने बिना बताए सस्ते में बेच दिया, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी। उनकी बेटी बेटी रिकिता नंदा द्वारा लिखित प्रेम नाम है मेरा जो प्रेम चोपड़ा नामक उनकी जीवी अप्रैल 2014 में जारी हुई। चोपड़ा ने 50 साल का अच्छा कैरियर रहा और वह बॉलीवुड में खलनायक की भूमिका के लिए लोकप्रिय थे। शिमला ने चोपड़ा में अभिनय रुचि विकसित की, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कई नाटक में भाग लेना शुरू कर दिया था। उनके अपने माता पिता के कड़वे विरोध के बावजूद वह बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय से के सपने अपने
को पूरा करने के लिए बॉम्बे जाने बॉम्बे फिल्म में अभिनय करने के लिए बॉम्बे जाने का कामयाब रहे। अपने शुरुआती दिनों में वे बॉम्बे के कोलाब गेस्ट हाउस में रहे। उन्होंने उनकी पोर्टफोलियो को प्रदर्शित करने के लिए स्टूडियो का दौरा करना शुरू किया। प्रकृति सज्जन नहीं थे। बॉम्बे में तेज जीवन में जीवित रहने वाले उन्हें फिल्म उद्योग में पैर जमाने की कोशिश की। करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ नौकरी की। वह बंगला उड़ीसा और बिहार अखबार में प्रसार की देखभाल करता था और उसे महीने में 20 दिनों दौर पर पढ़ने थे। और चोपड़ा एजुएट को बोलकर स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए बुलाकर उनको दौर के समय में कटौती करता था ताकि वह जल्दी वापस आ सके। इस तरह टूर जिसमें आमतौर पर 20 दिन लगते थे 12 में पूरा हो जाएगा और वह बाकी समय में स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाने के लिए व्यतीत करेगा। एक दिन उपड़ने के ट्रेन की यात्रा करते समय एक अजनबी ने उन्हें रोका और पूछा कि क्या उन्हें फिल्मों में शामिल होने की दिलचस्पी। चोपड़ा ने शायद से सर हिलाया। उस अभिनेत्री अजनबी के साथ रणजीत स्टूडियो गए जहाँ चौधरी कैरन सिंह निर्माता नायक की तलाश कर रहे थे। पंजाबी निर्माता जगदीश शेट्टी ने उन्हें पंजाब फिल्म चौधरी कर्नल सिंह के स्टेपिट स्टार जबील जुलल के नायक के रूप में ब्रेक दिया। उनकी पहली फिल्म हिंदू मुस्लिम रोमांटिक प्रेम कहानी थी जो भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित थी और उनकी यह बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। उनकी पहली फिल्म उन्हें 2,500 रुपये का भुगतान किया गया। फिल्म को पूरा होने में लगभग 3 साल लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया जिसमें सपनी मैं और हिंदी जैसे वो कौन थी शहीद मैं शादी करने चला और तीसरी मंजिल। प्रेम ने 1960 के दशक में शुरुआत की और अभिनय को पूर्वलिख पेशा नहीं माना लेकिन अभिनय के में अपने जुनून के कारण वे फिल्मों की भूमिका पाने में कोशिश करते रहे। अपनी शुरुआती फिल्मों में उन्होंने शहीद सुखदेव की भूमिका निभाई जो उनके दुर्बल सकारात्मक भूमिकाओं में से एक थी। वो कौन थी पहले प्रेम की 4 फिल्में की थी और 1964 के बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रिलीज समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित कॉमेडी फिल्म हलचल अनुभव पुधरी माई की रीमेक में उन्होंने इस सस्पेंस थ्रिलर के मुख्य नायक की भूमिका निभाई। उन्होंने 1970 के बॉक्स ऑफिस पर हिट छोटे बजट के कॉमेडी फिल्म साजन बदले डालो में मुख्य नायक के रूप में मुख्य भूमिका निभाई और तेलुगु फिल्म अभिनेत्री कंचना और शारदा के साथ जोड़ी बनाई। रफी द्वारा गाया गया गीत और प्रेम चोपड़ा पर फिल्माया गया तुम अपनी सहेली पे इतना बता दो कि कोई उसे प्यार न करने लगे। इस 1970 की फिल्म रे और गीत रहे काले किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक गीत और प्रदर्शन किया। एक नफरत प्रेम चोपड़ा द्वारा स्क्रीन 1973 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ले लोकप्रिय बनी हुई है। बाबी फिल्म में डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा मेरा नाम प्रेम चोपड़ा बहुत लोकप्रिय रहा। एक अन्य प्रसिद्ध प्रेम चोपड़ा संवाद फिल्म सौतन से है मैं वो बाला हूँ जो शेष पत्थर मैं वो बाला हूँ जो शेष से पत्थर को तोड़ता है जो बिक्री में वह परेशानी हूँ जो कांच के साथ पत्थरों की कुचलता है। एक अनुवाद करता है सोतन एक संवाद जिनके घर शीश के होते हैं वह मक्ती बुझे कपड़े बदलते हैं कटी पतंग में जो आग लगाता हूँ वो उपयोग करने भी जानता हूँ। 1969 से 1991 तक डोली
शेखर परिवार की मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना के साथ फिल्म में मुख्य नायक भूमिका में निमित थे। प्रेम और राजेश खन्ना की जोड़ी ने 19 फिल्मों में साथ काम किया और उनमें से 15 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और खन्ना की मृत्यु वास्तविक जीवन में बहुत करीबी दोस्ती थे। प्रेम और हस्ताक्षर में उद्धृत किया, राजेश खन्ना मुझे एक भाग्यशाली जोड़ी मानता था और वे तक राजेश खन्ना से हम कहते थे कि हमें परवाह नहीं कि अपनी नायिका कौन है, हम केवल यह जानना चाहते हैं कि प्रेम चोपड़ा फिल्म में आया नहीं है। उन्होंने डोली फिल्म में महेंद्र कपूर द्वारा गीत गाए गए आज पीला दे साथ अपनी के संवाद बोल 1969 उन्होंने 1979 में नफरत गीत लो मेरा प्यार लो लो में आशा भोसले के साथ और 1983 में मेरा मुकद्दर का भी ये दिल का प्यासा संवाद के भी बोले। उन्होंने कहा कि अभिनेता खलनायक चित्रित को बेटा खेला अजीत जैसी फिल्मों में आजाद छुपा रस्तम जुगनू में उसके साथ अभिनय किया सह और देश परदेश राम बलराम और बारूद 80 के दशक की उत्तरार्धित उन्होंने केवल कुछ फिल्मों जैसी आवाज शहनशाह आज का अर्जुन अमरीश पुरी के साथ दूसरी भूमिका निभाई दोस्ताना ईमानदार धर्म में अमरीश पुरी के प्रेम चोपड़ा के कुर्ग में नसीब में एक छोटी भूमिका अन्यथा 1969 और 1991 में अधिकांश फिल्मों में प्रेम चोपड़ा मुख्य खलनायक थे। दरअसल राजेश खन्ना 1969 और 1961 तक की फिल्मों में प्रेम चोपड़ा हमेशा मुख्य खलनायक थे और आवाज को छोड़कर उन्हें कहीं भी भूमिका नहीं दी। वह 1966 की संतोष 1989 तक मनोज कुमार अभिनीत साथी फिल्मों में मुख्य खलनायक थे। उन्होंने इस तरह फिल्मों के रूप में निमयन और विपरीत अभिनेता बिंदु रखा गया लगान कटी पतंग दो रास्ते दाग छुपा रुस्तम पंदेबाज त्याग नफरत कैरी चाल और दास्तान अन्य खलनायकों के विपरीत चोपड़ा ने ऑन स्क्रीन बुराई की इमेज पर निर्भर किया। उनके चित्रित गंदे काम करने के लिए ग्रुप में निर्भर रहे थे और उन्हें कभी भी दुष्ट नामों की आवश्यकता नहीं थी। 1990 के दशक में उनकी कुछ प्रसिद्ध संवादों में शामिल है आग का गोला 1990, भैंस कुछ उठेगी तो गाना तो नहीं गाए गोबर हाय दे देगी आज का अर्जुन 1990, तू माधुरी माधुरी से थोड़ी कम और मंदाकिनी से थोड़ी ज्यादा आज का गुंडा राज 1992, राजनीति की भैंस के लिए दौलत की लाठी की जरूरत होती है से कलाड़ी 1992, राजा बाबू से कर कला तो हो भला 1994 और दूल्हे राजा से नंगा नहीं होगा क्या नीचे देव किया देर से करियर 1996 के बाद बहुत कम फिल्में विपलीन के रूप में नजर आए। उन्होंने 1996 की सकारात्मक चित्रित भूमिका निभाई और 2007 में उनके अधिक सकारात्मक भूमिका मिलने लगी। 2007 के बाद फिल्म में उनका स्क्रीन स्पेस कम हो गया। चित्रित फिल्मोग्राफी प्रेम चोपड़ा मानते हैं कि उनकी सबसे अच्छी भूमिका थी शहीद उपकार पूर्व पश्चिम क्या रास्ते कटी पतंग दो अनजाने जादू टोना काला सोना दोस्ताना क्रांति जानवर ऊंचे लोग इदारा फूल बने अंगारे बेवफा से वफा राजेश खन्ना के साथ 19 फिल्में। उनका मानना है कि सकारात्मक भूमिकाओं ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सिकंदर है जम कुंवारी शहीद जादू टोना चोरी चोरी चुपके चुपके में आया। उन्होंने सताक्षर में खुलासा किया कि राजेश खन्ना के साथ मेरी फिल्म में बहुत खास है। डोली को से लेकर दो रास्ते खटी पतंग दाग अजनबी प्रेम नगर महाचोर महबूबा त्याग वेप्स वेप्स आंचल आंचल जानवर तक सोतन मकसद आवाज शुत्र ओचे प्रवेश करे वापसी और घर परिवार लीजिए 17 में से हिट रही 15 हिट रही। उन्होंने फिल्म में प्रत्येक खलनायक की भूमिका में व्यक्तित्व का रंग दिखाया और पूछे जाने पर कि सिनेमा कैरियर में इतने लंबे समय कैसे जारी रख सकते हैं, उन्होंने कहा हालांकि मैं एक नायक बनकर आया लेकिन मुख्य प्रमुख व्यक्ति के रूप में मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई।
जो एक तरह से अच्छा था, क्योंकि मेरे सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई और भी कई भूमिका थी जो मैं कर सकता था। जब मैंने खुद को खलनायक के रूप में स्थापित किया तो यह वर्ष तक जारी रह सकता था। 1960 के दशक में चौधरी कर्नल सिंह हम हिंदुस्तानी में शादी करने चला। यह धरती पंजाबी थी, सपना वो कौन थी, शहीद सिकंदर आजम, निशान पूनम की रात, मेरा साया कुवारी, सगाई, तीसरी मंजिल, साहब लुट लट साहब, आमने सामने उपकार, दुनिया जग गया आसमां, हाय मेरा दिल दो रास्ते, श्रीमान एक श्रीमती अनजाना रसिक डोली। 1970 के दशक में प्रेम पुजारी, समाज के बादल बदल डालो, पागल कहीं का पूर्व पश्चिम, हिम्मत जवाब, यादगार कटी पतंग, हे राम रे हरे राम हरे कृष्णा, प्यार की कहानी लगान, हलचल, आप आए बाहर आए, दास्तान, राजा रानी, गोरा और काला, अपराध, बेईमान, रास्ते के पत्थर, बाबी, जुनून, झोल से ऊपर, गहरी चाल, छिपा रुस्तम, नफरत, किस्मत, दाग, प्यार की एक कविता, बेनाम, अजनबी, जब अंधा होता है प्रेम नगर, वचन, पॉकेट मार, काला सोना, दो झूठ, दो जासूस, राजा, सन्यासी, महबूबा, लगान, बैराग, बारूद, महाचोर, दो अनजाने, त्याग, ईमान, धर्म, कसम, खून की जिगराती, आधा दिन, आधी रात, और आधा डार्लिंग डार्लिंग, बदराम के चोर, जादू टोना, ड्रीम गर्ल, दिलदार, पापी, दिल कप, दिल और दीवार, फंदेबाज, देश परदेश, आजाद, दो मुसाफिर, त्रिशूल, काला पत्थर, झूठ कहानी का, द ग्रेट गैम्बलर, बेबस, और 1990 के दशक में दोस्ताना, आंचल, अलम्बा और अली बाबर, 40 चोर, लूट मार, सपूत, धांधोला, निशान, राम बलराम, एक और 11, शक्का, नसीब, क्रांति, आप, आसपास, सन्निधा, संरक्षण, सवाल, देश प्रेमी, गोपी चंद, जाजूस, हथकड़ी, दो दिशाएं, खुदगर, रक्षा, फर्जुर कानून, मवाली, बंधन, कुछ धागों का बेताब, सेंटेन, प्रेम, तपस्या, जानवर, दौलत के दुश्मन, पुकार, अंधा कानून, आवाज, मंजिल मंजिल मंजिल, दुनिया, राम, तेरा देश, मकसद, घर, एक मंदिर, तेरी बहन, मैं, भवानी जंक्शन, ऊंचे लोग, मर्द, टेलीफोन, सीता, मगर, अर्जुन, सरफरोश, राम, तेरे कितने नाम, बॉन्ड, 303, काली बस्ती, 3D, सवारी, हकीकत, और अविनाश, भारती, इंजाम, सुवर्ण के सुरंग, वापसी, शत्रु, सावरे वाली गाड़ी, नागिन, इंसाफ की पुकार, हरी, सत, हवालात, माजा, कलयुग और राम युग, हद कुंभ, वृद्ध की जवान, वतन के रखवाले, महावीर, चरणों की सगन, शुक्रिया, शहंशाह, मेरा मुकद्दर, मेरा शरीर, गुनाहों का फैसला, सागर, संगम, सिक्का, डेटा, दाना पानी, जंगबाज, अभिनय, ग्रेवी।